अरे स्कूल छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आप ही ने तो कहा था फादर्स डे पे अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा तुम्हारे पापा को ये अच्छा लगेगा कि स्कूल बंक करो? नहीं नहीं मैम, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ। बाय मैम। ये बहुत ही सीधी कहानी है, ये वो कहानी है जिसे आप मैं और हम सब जी चुके हैं, लेकिन ये ऐसी कहानी है जो हम सबके दिलों में दबी है। ये ऐसी कहानी है जो कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये कहानी हमारी अटेंशन चाहती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये हमारे मुखौटों को हटाती है। हर परिवार की यही कहानी है, हर रोज खुशी तलाशने की कहानी। खुरदार, मैं तुम्हें एले से देख रहा हूं, वही एक्सप्रेशन वही पोज, उठते बैठते खाते हर वक्त वही बॉडी लैंग्वेज। फ्लाइट में हर कोई गहरी नींद सो रहा था, पर तुम गहरी सोच में जगे हुए थे। मैं इसकी वजह जानना चाहता था ताकि घर वापस जाकर मैं आराम से सो सकूं, पर मैंने सोचा कहीं तुम चिल्लाकर मुझे शर्मिंदा ना कर दो। ठीक है, अब बताओ परेशान क्यों दिख रहे हो, जिसे देखकर मुझे परेशानी हो रही है। बता दूंगा तो क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम मेरी तरह हो, किसी बाप के बेटे। सभी बाप एक ही दौड़ में हैं। सभी बाप दौड़ में हैं? बाप दौड़ में है। हेलो बेटे, पता नहीं मैंने क्या गलत कहा या क्यों तुम दुनिया भर के सभी बापों से नाराज हो, लेकिन एक बात से दिमाग की घंटी बजी है। वो ये कि ये डिप्रेशन वाली बॉडी लैंग्वेज के पीछे तुम्हारे डैड हैं, और ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बजे है ना, उसके पीछे भी वही हैं। मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी अपने बाप से बनती नहीं है। किसने कहा कि मेरी बाप से बनती नहीं है? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ए, पापा को कितना प्यार करता है? इतना। इतने से क्या होता है? इतना सारा। That's my boy. सुनो जी, लोग तो ये पूछते हैं कि माँ से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से, तुम सिर्फ पापा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये ऑप्शन तो मैं इसे दूंगा ही नहीं, ये सिर्फ मुझे प्यार करेगा और मैं सिर्फ इसे प्यार करूंगा। क्यों बेटे, ठीक है ना? इस तरह मेरी माँ को भी अलग कर दिया और मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया। जब तुम छोटे थे तब उन्होंने ऐसा किया, पर अब वो तुम्हारे दोस्तों को अलग नहीं कर सकते। What's up guys? कुछ नहीं अंकल, बस एक हफ्ते की ट्रिप बनाई है, बस साई का इंतजार है। तो क्या मेरा बेटा मुझसे एक हफ्ता अलग रहेगा? क्या हुआ अंकल, क्या सोच रहे हो? कल तो ये तुम्हारी बुराई कर रहा था और आज तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाने के लिए कैसे तैयार हो गया? बुराई? हाँ, कह रहा था तुम सारे सेल्फिश हो, किसी का कोई काम नहीं है, तो बड़ा बेवकूफ है, तो इडियट है, और बहुत कुछ कह रहा था, बहुत खतरा। अंकल, अंकल, आप इसका इस्तेमाल तब करना जब हम गायब हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स डिसअपीयर। सब कहाँ गायब हो गए? एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर चले गए हैं। माना उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को अलग किया, पर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ के कलीग्स तो साथ होंगे ना? कंपनी भी तो हमारी है, IAS Solutions। ऐसा क्या कलेक्टर्स प्रोड्यूस करते हो क्या? साई, उन्होंने मेरा नाम ही उल्टा लिखा है। कंपनी का नाम मुझ पर रखकर प्यार दिखाएंगे तो कलीग्स कहाँ से आएंगे? फिर से आ रहे हैं। खाते साथ हैं, कमाते साथ हैं, और आते भी साथ हैं। हट, क्या जिंदगी है। बाबा, हम तो थकते भी एक साथ हैं बेटा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। पर ये गलती है, उनसे कहते क्यों नहीं? साबित कैसे करूं कि ये गलती है? उनकी तरफ से तो वो सिर्फ प्यार कर रहे हैं।
मार दिया रे। सॉरी 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 बेटा, ज्यादा लगी तो नहीं। ये मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे। बेटा नाक पे मास्क पहनना चाहिए था। वो अपने बेटे को लेकर पागल है, पजेसिव है, इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है यूएस से हैदराबाद तक तुमने उन्हें अच्छे से इग्नोर किया है, तो फिर खुश क्यों नहीं, दुखी क्यों हो? इस दुख के पीछे मेरे पापा नहीं, उनके पापा हैं, दादाजी। मेरे पापा ने पापा बनके खूब प्यार किया, लेकिन बेटे के रूप में उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए राजमंत्री जा रहा हूं। अच्छा, तुम्हारे दादा ने ऐसा क्या किया जो तुम इतना? दादाजी, दादाजी, मुझे दीजिए ना यहाँ पर। तुम चलो। आइए ना। रघु रामैया जी, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं यहाँ, और जो हैं वो आते नहीं। हर कोई अपने काम में मगन है, तो अगर हम लोग कभी कभार आपस में मिल लें तो ऐसा लगेगा कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई तो है। जैसे आप तो बहुत स्वस्थ हैं, आप यहाँ पेशेंट को दिलासा देने आए हो। चलिए डॉक्टर साहब इंतजार करें। रुक जरा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है रघुरमैया। चलता हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार रघुरमैया, आपके बड़े बेटे और उनके बच्चे ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है। मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? एक्चुअली मेरा साला मिला था आपके तीसरे बेटे से कुकटपल्ली में, सुना है उसका केटरिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है। अरे रघुरमैया जी बैठिए ना। आप मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता रहे तो यहाँ बैठ के करूँ क्या? दरअसल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊं आपको, इसलिए जरा लंग कैंसर एडवांस स्टेज, ज्यादा नहीं कुछ ही दिन है आपके पास। रिपोर्ट कल ही आ गई थी, सेकेंड ओपिनियन लेने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा होगा कि आप जल्दी एडमिट हो जाए। अगर एडमिट हो गया तो जी पाऊंगा। वैसे मेडिकल सुपरविजन में एक दो हफ्ते की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू। मिट्टी की खुशबू में चीनी की आदत है, दवाइयों की बदबू के बीच चीनी पाऊंगा। नमस्ते। अपने बच्चों को फोन कीजिए ना। आराम से बात करेंगे। आराम से कैसे, भगवान ने आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया है, सिर्फ कुछ ही दिन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने इतना वक्त भी इसलिए बताया है ताकि आप डरे ना। अगर आप अभी सो गए और कल जागे नहीं तो मेरा क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? अगर उन्हें पता चल भी जाए वो रोएंगे, दुखी होंगे, आ जाएंगे, आने दो उन्हें। इतना तो वो जानते ही है कि उनके पिता उनके लिए कितने जरूरी है, लेकिन अगर आप उन्हें बताने में देर करेंगे और कल आपको कुछ हो जाता है तो वो अपने पिता, दादा और ससुर के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाएंगे, फिर उनकी जिंदगी भर की उदासी के लिए आप जिम्मेदार होंगे। पापा, रिपोर्ट आ गई क्या? कुछ ही दिन बचे। अरे कितना घी डाल रही हो, एक तो मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? पापा,
आप कह रहे थे कि कुछ ही दिन बचे हैं, डॉक्टर ने दवाई लेने को नहीं बोला है क्या? अब दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है अब मैं कुछ ही दिन जीने वाला हूँ। अच्छा अब ठीक है, फोन रखो, मैं एक बार डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैक्सिमम 5 वीक्स। तुम्हें पक्का यकीन है कि सिर्फ 5 वीक्स? 100% सर। सपोज 6th वीक में भी अगर वो जिंदा रह गए तो? मगर आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? अरे सर थोड़ा डाउट तो मन में होता ही है ना। हाँ हमारी माँ के बारे में भी ऐसे ही हुआ था, सीरियस सीरियस करके बोला, हम सब काम धाम छोड़ के वहाँ चले गए। जैसे हम वहाँ पहुँचे हमारी माँ खड़ी हो गई, 2-4 दिन वहाँ रहे और वापस आ गए। ऐसा तो हमारे साथ कई बार हुआ है, और जब वो सीरियसली सीरियस थी तो हम सब ने ध्यान ही नहीं दिया, वो चल बसी। एक ट्रिप पर जहाँ 4 लाख रुपए खर्चा होता है, 20 लाख रुपया खर्चा हो गया सर। यहाँ से वहाँ जाना फिर वापस आना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर। हाँ परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है, ऊपर से वीजा स्टैम्प करवाना पड़ता है, और ये ट्रंप पता नहीं एक बार गए तो वापस आने देगा कि नहीं। मैं तो आपको परेशानी बता रहा हूँ सर, ये लोग नहीं समझेंगे, और पेरेंट्स को मिलने नहीं आता तो ये लोग हमें दुश्मन समझते हैं। सर मुझे बताते हुए शर्म आती है सर, हम लोग तो मछली की तरह तड़पते रहते हैं कि वीकेंड कब आ जाए और हमें छुट्टी कब मिले। एक लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो हमें त्योहार जैसा लगता है। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आर यू देयर? हेलो, अरे इसे क्या हो गया, सच बात बता दी तो बुरा मान गया। सर ये आप कैसे बात कर रहे हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें 3 महीना पहले फ्लाइट की बुकिंग करनी पड़ती है डिस्काउंट लेने के लिए, वरना ज्यादा पैसा देना पड़ता है, पता है? सीरियसली समझ लो आप डॉक्टर साहब। आप मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आप बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, क्लैरिटी के बिना आप कोई भी काम नहीं करते, ये मैं क्लियरली समझ गया। तो डॉक्टर साहब सीरियसली बताओ कि मेरे पापा की सीरियस कंडीशन पे मैं कितना सीरियस हो जाऊं? देखिए आपके फादर की कंडीशन सीरियस है, मगर मुझे भी थोड़ा सीरियसली ले लीजिए ना प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ ना 5 वीक्स यानी के 5 वीक्स, उसके बाद मैं और वो दोनों आपकी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। ओके सर बाय। क्यों बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कहना क्या था, वही कहा जो आपने बताया था। वैसे कोई बात नहीं है, आपने जिंदगी के 75 साल निकाल लिए हैं, बस ये 5 वीक्स और निकाल ही लो। मैं बाकी भाई बहनों से बात कर लेता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग वहाँ कब तक पहुँच पाएंगे। और मेरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी इतनी सर पर है कि मेरा सर भी आपकी तरह होने वाला है पापा। खैर मुझे तो आना ही पड़ेगा, पर ये महेश कहाँ है, उसे यहाँ वहाँ कहीं मत भेजना, बोलो उधर ही रहना आपके पास। भैया। अरे क्या भैया, पापा का अच्छी तरह से ख्याल रखना और तू इधर उधर मत भटकना, वही उनके साथ रहना, समझा क्या? तुझे सैलरी इसी बात की मिलती है कि तू उनके साथ रहे, है? समझा कि नहीं? हाँ ठीक है भैया। खाली मुंडी मत हिलाना। ठीक है नहीं हिलाऊंगा। पापा टाइम क्या हो गया, 9 बज गए क्या उधर? हाँ बज गए, सो जाओ, चद्दर ओढ़ लेना, स्वीट ड्रीम्स। ये क्या बात हुई, वो आपको इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मेरे जैसे लोग बच्चों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। तो वो वहां से कर भी क्या सकते हैं बता मुझे, क्योंकि मैं मर रहा हूं तो उन्हें अपना काम छोड़कर आने को तो नहीं कह सकता ना। वो अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे, मरने से पहले हम किसी को परेशान ना करें तो अच्छा है, तभी तो हम इज्जत से जा पाएंगे। वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा, उम्र के साथ इच्छा भी मर जाती। इन जैसे लोगों की वजह से हमारे यहाँ अनाथालय कम और वृद्धाश्रम ज्यादा है। आप चिंता मत कीजिए, 2-3 बच्चों में से कोई जरूर आएगा। अरे क्या कर रही हो, तो तुम रोना बंद कर दो नहीं तो टीवी का रोना बंद कर दो। ए वेंकट जी भाई साहब, टीवी की वजह से सावित्री ज्यादा इंस्पायर हो रही रोने के लिए। हाँ आप बताओ कब निकलना है? भैया काम का बोझ है, बहुत प्रेशर है, 18 घंटे काम करके अभी घर पहुंचा हूं, बस शॉर्ट्स पहन कर मैं सोने ही जा रहा था। अरे तो मैं क्या इधर अंडरवेयर पहन के बैठा हूं? मैं एक ऐसा आदमी हूं जो कुछ भी करने के लिए 1 साल पहले प्लानिंग करता हूं, और पापा का यूं अचानक से मरना तय होना, इट्स अनरीजनेबल। क्या प्लानिंग है? 5 वीक्स अब मैं कैसे निकालूंगा भैया, आई डोंट नो। अरे मौत क्या पहले व्हाट्सएप करके आती है क्या, कितना बेवकूफ है ये। भाई साहब क्या आपको लगता है हम यहाँ है और वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे? तो नहीं, यहाँ केटरिंग बिजी है, देखो इधर देखो, एकदम बिजी। इनका कहना है कि जब आप लोग आ जाए तो हम भी वहाँ पहुँचे। अरे बोलिए ना, तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, भैया ये ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब बात ध्यान से सुनना।
अब पापा के पास सिर्फ 5 वीक्स हैं, उनमें से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे और जब वो गुजर जाएंगे उसके बाद हम 2 वीक्स वहाँ रहकर सारा काम खत्म करके वहाँ से निकल जाएंगे। इसका मतलब हम टोटल 4 वीक्स राजमुंद्री में रहेंगे, तो पहले 3 वीक्स को छोड़ दो और सब खुश रहो। और हाँ, उन्हें बीच बीच में फोन करके बातें करते रहना, जब तक जिंदा है खुश रहेंगे वो। चलो ठीक है भैया, ठीक है, बंद करता हूँ। बाय माँ। अरे ब्रेकफास्ट तो कर ले। अरे बाप रे, देख लिया, अब तो जरूर पीछा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? जहाँ मन करेगा जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ आने की परमिशन नहीं है। मुझे 1 महीने तक डिस्टर्ब मत करना, जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट बेटा। 1 मिनट नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है आपके पास। दादाजी मरने वाले हैं। क्या? ठीक है, तू जा, आने के बाद बात करता हूँ। क्या हुआ उन्हें? उन्हें लंग कैंसर हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि वो 5 वीक से ज्यादा नहीं बचेंगे। हम सब ने सोचा है कि उनके बचे हुए 5 वीक्स में से आखिरी 2 वीक्स हम उनके साथ रहेंगे। तुम्हारे चाचा लोग भी आ रहे, तुम भी अपना काम उसी हिसाब से तय कर लो, ठीक है? जाओ अब, जाओ। अरे अरे, मुझे मत मारो। दादाजी, आप मरते हुए हंस क्यों रहे हो? बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो मैं हंसते हुए मरूं। जब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तू मेरे साथ में रहना, तो मैं मुस्कुराते हुए चला। अरे अब तू खेल ही खेल में मारते, वैसे भी मरना ही है मुझे। दादाजी, मैं आपके साथ यहाँ रोने नहीं आया हूँ, आपके जिंदगी के आखिरी पड़ाव का मजा लेने आया हूँ। क्या सर, यहाँ शादी थोड़ी है। अरे चुप कर महेश, किसी महान कवि ने मरने को शादी कहा है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर मौत लोगों को बिना बताए ही आती है, लेकिन आपके लिए तो 5 हफ्ते पहले ही इनविटेशन भेज दिया है कि मैं आने वाली हूँ। अब जब तक वो आती है, हम लोग हर दिन ऐसे मनाएंगे कि हर दिन दिवाली हो। आप वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहते थे, या जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें आप पूरा करेंगे। हाँ, तो क्योंकि इन्हें बढ़ावा देने के लिए यहाँ था ही नहीं, तभी बीमार हुए हैं। इसी फुर्ती के साथ 10 साल और जी सकते हैं। अभी आपका पोता आ गया है, मजे कीजिए। अरे ये लो दादाजी, ये लीजिए, आपका ब्रांड है, लीजिए, कर लीजिए मजे। अरे इसी की वजह से तो मुझे लंग कैंसर हुआ। hey, कल रात को ही तो तू आया है, और सुबह दादा के साथ पेद्दापुरम। देख तेरा जो भी प्लान है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल शांति से जाना है और वापस आना है। आंध्रा को अमेरिका बनाने की सोच रहा है क्या? दादाजी चलिए पहले नारियल पानी पीते हैं। अरे ये तो बता, ले कहाँ जा रहा मुझे? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ ना। अन्ना दो छील देना। भाई रहने दे, मुझे टेंशन हो रही है। अब ये मत बोलना कि ये उनके लिए है। हाँ, ये चाहता है वो वहाँ जाए और उस काम को पूरा करे जो किसी वजह से रह गया था। अरे ऐसा कौन सा काम है? सुन, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं उससे उनकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अबे सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा है, हम उनको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना, समझा? तेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है क्या? तुझे लगता है पेद्दापुरम में सिर्फ एक ही चीज होती है और लोग भी रहते हैं वहाँ पर? थोड़ा दिमाग से सोचा कर। मैं दादाजी को वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, किसी से मिलवाना है। जब दादाजी 20 साल के थे तब उन्हें जानकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। दादाजी अपनी गलती समझ तो गए थे, लेकिन कभी उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, इसलिए बेचारे आज भी पछताते रहते हैं। अगर मरने से पहले वो उनसे माफी मांग पाए तो मुझे लगता है उनके मन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बात है, एकदम तैयार होकर इंतजार कर रही है। मुंह बंद कर लो। कहाँ है वो, राम नहीं आया? हाँ? ओए होए, लगता है दादाजी का निकने में ही है। बोलो ना कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए ना। अरे तूने मुझसे पूछा इसलिए मैंने मजाक में बता दिया, और तू तो मुझे सीधा जानू से मिलाने लगा। मतलब जानकी, जानकी। कोई बात नहीं दादाजी, इतना सोच क्यों रहे हो, वो भी तो वहाँ पर अपने राम का इंतजार कर रही है और उन्होंने अपने बाल भी काले किए। तो चुप कर दादाजी।
अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी जिंदगी का आखिरी मौका है दादाजी, बी स्ट्रॉन्ग। राम दादी आ गई। दादाजी बड़ों के बीच में हम छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चलो चलो चलते, ये उन्हें दे देना। नमस्ते राम। पहले जैसे ही हो, पहले भी गुब्बारा लाते थे और ऊं करके कांपते रहते थे, जरा भी नहीं बदले। अब पीछे घूमोगे या मैं ही घुमाऊंगा? कैसे हो तुम राम? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो जानकी? मैं भी ठीक हूँ। कभी सोचा था तुमने कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे? 45 साल निकल गए, या देखा जाए तो 46 साल हो चुके हैं। सच कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बराबर है, आदमी किसी भी उम्र में एक औरत से मिले उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। पिछली बार जब आए थे ना तो शॉर्ट्स पहन कर आए थे, याद है? मुझ पर चिल्लाए भी थे क्योंकि मैंने रात से शादी कर ली थी। पर मैं और क्या करती, मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, और एक तुम ही थे जो तुमने कोई एक बूढ़ी औरत उसके प्यार के किस्से सुना रही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है यार। हाथ हटा, हाथ हटा अपना। लगता है इमोशनल हो गया। और उसी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अब माफी मांगने का क्या फायदा? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं रहे। वैसे राम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास। अबे ये जो इनकी धड़कन सुनाई दे रही है वो स्पीकर में लगे वूफर जैसी लग रही है ना, ध्यान से सुन। राम, अबे क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही घिसते रहेगा ना तो धड़कन बंद हो जाएगी। दादाजी आप ठीक है ना? नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं है सर। देखो ठीक हूं। ये सब करने से पहले ना घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट बैट हाथ में देकर मैच में भेजोगे ना तो दिल साथ नहीं देगा। अभी उन्हें आने वाले 5 वीक्स तक जिंदा जो रहना है। वैसे दादाजी उनके 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के 10 बच्चे हैं, उन्होंने उन सबकी शादियां भी देखी। जिस औरत ने इतना कुछ देखा हो उसे देखकर आप बच्चे बन गए तो आपका प्यार मामूली नहीं है। अरे अब इस बुड्ढे की प्यार की कहानी में क्या रखा है? मुझे उससे मिलना था, मिल लिया बस। असल में तो मैं तेरा प्यार और तेरी शादी देखना चाहता हूँ, और वो तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल नहीं है, आप बताइए कोई लड़की है तो मैं अभी शादी कर लूंगा। मेरा एक दोस्त है सूर्य नारायण नाम का, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। जब हम मिलते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं। उसकी एक पोती है, बहुत सुंदर है, जोड़ी जमेगी तुम्हारी। अपने दोस्त से कहो आकर शादी पक्की करवा दें, प्यार के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मंडप जाएंगे। तुम तो चले जाओगे लेकिन वो मंडप तक नहीं आएगा। क्यों? उसके लिए भी तेरा बाप जिम्मेदार है। मेरे पापा? हाँ नारायण, क्या हुआ? मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हाँ लेकिन तुम हो कहाँ? यही नदी किनारे पर। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं पापा, मैं भी चलता हूँ वहाँ पर आपके साथ। चलो चलो आता हूँ। सूर्य नारायण को दिल का दौरा पड़ा है। हाँ तो आप वहाँ जाकर उसके दिल की चाबी भर दोगे क्या? या फिर आपको देख के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा? वो मेरा दोस्त है, मुझे जाना होगा। अरे पापा इस वक्त आपकी नहीं एम्बुलेंस की जरूरत है, पहले एम्बुलेंस को फोन करो, बाद में आराम से मिल लेना। हम लोग इतने सालों के बाद यहाँ आए हैं तो हमारी ओर ध्यान देने के बजाय आप किसका सर दुख रहा है किसका पांव दुख रहा है ये देखते घूमोगे क्या? हम लोग वापस नहीं आएंगे फिर। पापा यू बेटर स्टे हियर। वैसे तो उसकी जान बचाने के लिए मैंने एम्बुलेंस भेज दी, पर मैं उसके लिए मर चुका था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के सामने रुकने की? अरे मैंने नहीं रोकी, जल्दी करो। वो खुद रुक गए। अरे नारायण, अरे स्टार्ट कर, आओ ना घर, आओ ना। अरे जल्दी से स्टार्ट कर, जल्दी। अरे कर तो रहा हूं। अरे बस एक बार आओ ना। अरे नहीं आता मैं, चल। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कल से आपका दोस्त आपके बगल में बैठा होगा, आपका पोता आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। वैसे लड़की का नाम क्या? आरना। हाँ आरना। हाँ हाँ हारना पोपो। आ हाँ नहीं आ, आ आरना। अच्छा कहीं ये वो
एंजल आरना तो नहीं है ना? एंजल? सुनना ये कहना, आरना का ये कहना, सुनना आरना का। इसी के बारे में दादाजी बात कर रहे थे। ये एक और है, देख। कौन चाहिए तुझे? जो भी तुझे देखने आता है तू उसे मना कर देती है। तुझे कोई राजकुमार चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तेरी मंगेतर है, अच्छी है ना? ये टुक टुक क्या बीमारी है यार? अरे इसी से तो वो सेलिब्रिटी बनी है। पिछले महीने 2 पान की दुकान का रिबन काटा है और कुछ ही दिन पहले श्री सनी बॉबी लॉन्ड्री शॉप का। इस पूरे गोदावरी इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो कि एंजल आरना को बिल्कुल नहीं जानता। उसे एंजल क्यों बोलते हैं? अबे बेवकूफ, आजकल की लड़कियां ना अपने सरनेम की बजाय निकनेम लगाती हैं। जैसे एंजल आरना, स्माइली स्वप्ना, लवली लावण्या, स्लीपी पपी, सब लड़कियां अपने आप को आजकल ऐसे ही नामों से बुलाती हैं। अरे वो देख आ गई वो। हाँ यार ना, कैसी हो? हाँ, वो मैं, हाँ वो... मैं समझ गई। एंजल आरना। अबे ये क्या, अल्लू अर्जुन का साइन कर रही है ये? ज्यादा बोलेगा तो कहेगी कि अल्लू अर्जुन ने उसकी कॉपी की है। अब टाइम खोटी मत कर, क्लास शुरू हो गई तो शाम तक यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अपनी शर्ट धोना मत, नेक्स्ट ईयर दीदी से फिर चेक करेगी। समझ नहीं आ रहा इससे बात कैसे शुरू करूं। हे मेरे राजा, हम फिल्मों की तरह तेरी लव स्टोरी को इतना ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। कट टू कट सब करना पड़ेगा। उसके पास जा, शादी की बात कर, भाग जा परिवार से, पूछ फिर शादी और फिर सीधे कट टू फर्स्ट नाइट। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, चल जाना शादी। हाँ, बाइक पर मेरा पीछा कर रहे थे तो मुझे लगा इंस्टा फॉलोअर हो। सोचा था ना कहने से पहले 2 साल तक चक्कर लगवाऊंगी, पर तुम तो शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम मुझे टाइम दे रहे हो, वो भी 10 दिन का। आखिर तुमने एंजल आरना को समझ क्या रखा है? हा? मैंने कहा मुझसे प्यार करो, सीधा शादी के लिए पूछा, इसमें गलत क्या है? गलत है, आजकल लड़कियां एक साथ 10-10 लड़कों से प्यार करती हैं और शादी करने से पहले कम से कम 10 लाख बार सोचती हैं। और तुम कह रहे हो उससे शादी करोगी जिसने आज तक प्यार भी नहीं किया, वो भी एंजल आरना से? अरे ये बार बार एंजल 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 कहना बंद करो, अजीब लगता है मुझे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एंजल हूँ, देवी हूँ, मैं जब तक खिड़की ना खोलूं सूरज भी अंदर नहीं आ सकता। और तुम सोच रहे हो मुझसे शादी करोगे? इट्स नॉट एट ऑल इजी। हेलो, बिना खिड़कियां खोले तो धूप भी अंदर नहीं आ सकती है, समझी? चुप कर, हम किसान हैं। अगर तेरे बारे में मेरे बाबा को पता चल गया ना, नॉट लाइक दिस सो मेनी टाइम्स, ओनली वंस। एक्सप्रेशन अच्छा था, फिर से दे। ओनली वंस। अच्छा वीडियो बन गया, फैंस तो खुश हो जाएंगे। देख भाई, हम सारे लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी देवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो भाग गई, अपने बाबा से बात करने का हिंट दिया, तो मिलते। हे बालाजी, हे पट्टाभि रामा वेंकट रमणा, गोविंदा गोविंदा, जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शीरीष, गुड मॉर्निंग सर। हमारे एग्रीमेंट में जितने होर्डिंग है हमें उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे सर, वेंडर बाहर इंतजार कर रहा है सर। चलो, वॉइस मैसेज गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गुंडा होगा। अच्छा है ना, तेरे दादाजी की इच्छा आराम से पूरी हो जाएगी। हा? कौन हो तुम, क्या चाहिए? आओ आओ बैठो। तो क्या ब्रांड है आपका? विनाइल पोस्टर से लेकर वॉल स्टिकर, हम सब कुछ परफेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं करानी है, शादी करानी है। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ, ये भी करते हैं। हाई मिड लो, क्या बजट है? वो तो आप ही तय करेंगे। सब मुझ पे छोड़ दोगे तो घाटा हो जाएगा। पागल लग रहे हो, दुल्हन की तरफ से कौन है? आप ही हैं। अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, जब तय करेंगे तब बता देंगे। नंबर छोड़ दो, इसको मत छू। सर, इसके दादाजी के आखिरी दिन चल रहे हैं सर, तो उनके मरने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। वन वॉइस मैसेज प्लीज। नो प्लीज। वहां से क्या मिलेगा पता नहीं, पर मुझसे जो चाहिए ले लीजिए।
अमेरिकन एक्सप्रेस मुझे पसंद हो, तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए तो बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं। ये लो, तुम भी लो। थैंक्स। अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं, इसलिए बड़े इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। अब जब तुम आ गए हो तो हर दिन त्योहार मनाएंगे। वैसे अभी मेरे दूसरे भाई से जाकर मिल लो, अगर वो भाई मान गया तो समझो सबसे बड़ा वाला भी मान जाएगा। आप लोग कितने भाई हो सर? हम लोग तीन भाई हैं। आरना मेरे बड़े भाई की बेटी है। एंजल आरना। ये फॉलो करता है। ये तो अच्छी बात है, आप उनका नंबर दे दीजिए। उसका नंबर जेब में लेकर नहीं घूमता, लिख लो। साई आया है क्या? हाँ अभी अभी आया। फोन दीजिए उसको। कौन है? तुम्हारे पापा है। हेलो योरे, एक तो तू मुझे बिना बताए वहां चला गया, अब मेरे फोन नहीं उठा रहे हो और मेरे मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आप माँ ठीक तो है ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ अटका हुआ हूँ, नहीं तो कब का वहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन तुझे मेरे दर्द से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताइए फोन क्यों किया? मैंने शादी पक्की कर दी है। किसकी शादी? मेरे बेटे की। दामोदर को जानता है? हाँ, हमारा क्लाइंट है, उसकी बेटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। You're welcome. आपने प्रोजेक्ट देकर हमारी कंपनी को ऊपर उठा लिया है, और जब आपकी बेटी हमारी बहू बन जाएगी हम भी ऊपर उठ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के। रिलैक्स, इट्स ओके। व्हाट आई एम सेइंग कि पहले अगर आप अपने बेटे से बात कर लेते तो अच्छा होता। सर हम लोग दो अलग अलग हाथ की तरह हैं, टकराएंगे तो एक ताली बजती है, वैसे ही हम एक जैसा सोचते हैं। मैंने तो ऐसे ही हवा में तुम दोनों के शादी की बात की थी, लेकिन वो मान गया। अब तू ये बात हवा में मत उड़ाना, समझा के नहीं तू? उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इसलिए हाँ कर दी है ताकि तेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। अब अगर तू ना कहते तो प्रोजेक्ट की गड़बड़ हो जाएगी। और लड़की भी बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा मैं लड़की की फोटो भेजता हूँ, दादाजी को दिखा दे, हो सकता है वो तेरी शादी तक रुक ना पाए। चलिए फोन रखिए आप बस। तेरे पापा कहते हैं वैसा कर। बिल्कुल नहीं, आपकी बताई लड़की मुझे पसंद आई है, उसी से शादी करूंगा। भले ही आपको अपने बेटे की बात ठीक लगे, पर मैं अपने दादा की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप आराम करो, जाओ सो जाओ। हे महेश, हाँ संभाल के आइए दीजिए। साई, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, झगड़े में वक्त बर्बाद मत करो। आज तो मैं डर ही गया था। देखने में ठीक लग रहे होंगे मगर इसे हल्के में मत लेना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके डॉक्टर, टेक केयर, बाय बाय। अरे यार, तेरा जो दूसरा ससुर है वो हमारी कॉल्स काट रहा है, लगता है मटन शॉप पर काम करता है। क्यों ना सीधे आरना से ही बात कर ले। हेलो, ये सब क्या है? चाचा से मिलना जरूरी था? हाँ, यार करना होता तो तुमसे पूछता, शादी करनी है इसलिए बड़ों से पूछा। पहले वो पसंद करेंगे, फिर तुम्हें करने बोलेंगे, फिर तुम भी करने लगोगी। तुम तो उन्हें लाइक करते हो पर वो तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, और मेरे साथ तो कभी भी टैग नहीं करेंगे। देखती जाओ, कल सुबह तुम्हारे बड़े चाचा से मिलूंगा, शाम को पापा को मना लूंगा, और रात को तुम्हारे दादा से बात करके परसों तक तुम्हारे साथ मंगनी कर लूंगा, समझी? क्या कहा? अगले सोमवार मेरी एंगेजमेंट है? नहीं शनिवार, अगले 10 दिन में तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब डिटेल्स तुम अपने स्टेटस पर डाल सकती हो, पर टुक टुक पे नहीं है। शादी मुबारक हो। एंजल आरना, कहां से आ गया ये फॉलोअर तेरे से? यूएस से आया है ये दीदी। सब सुन लिया क्या? देख भी लिया। हाँ। दादाजी, क्या आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो? हाँ वही जा रहा हूँ। पता नहीं वो आपको और कितना परेशान करेंगे। ओए, ये सिंह ब्रदर्स कौन है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर बिजनेस में सबसे बड़े। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना परफेक्ट सिंह में करते हैं। और दादाजी का उनसे क्या वास्ता है? तुम्हारे दादाजी हर इतवार तुम्हारी दादी की समाधि पर बिताना पसंद करते हैं। वो तुलसी में जाकर पानी डालते हैं, उनकी पसंद के फूल और मिठाई उनके लिए लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका पूरा हफ्ता कैसा रहा। चाहे हफ्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन वहाँ जाकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इससे क्या परेशानी है? उन्होंने समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोहे की तार लगा दी है, अब वो उन्हें समाधि पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कि उन्हें समाधि तक जाने का रास्ता छोड़ दे, उन्होंने कहा वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिस्सा उन्हें नहीं बेच देते। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे चलना। आया दादा मैं।
हर बार उनसे भीख मांगते हैं, हर बार का लफड़ा ये। तुम फिर से आ गए रघु, समझ में नहीं आता कि तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा करते क्या हो, लेकिन तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो ध्यान से सुनो, मजा तो हमें भी बहुत ज्यादा आता है। तुम बस उसे सीमेंट का ब्लॉक समझो और उसे धड़ाम से तोड़ दो, फिर तुम्हें उसका एक बढ़िया लेआउट मिल जाएगा और हर इतवार को उसके मजे लेना, उसमें एक फार्म हाउस बना लो। सिंक देखो, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा दिनों के लिए जी नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे उसके साथ अपने बाकी दिन बिताने दो। ये क्या कह रहे हो सर, सच में? रघु रामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं देख पाए कि आप इतने बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंक में नहीं हैं। आपको अभी साइट पे चलना चाहिए, पर पहले कागज साइन कर दो और ये जमीन हमें बेच दो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आपका परिवार एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना देगा, तो उस जगह की ब्यूटी तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहो तो पेपर लाए। मेरा बजा सिंह सर, कोई हमारे तार काट रहा, जो कोई रोकता है उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघु रमैया का पोता। अरे ये क्या नॉन सिंक है, यहाँ तुम हमसे मीठी बातें कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसकी बॉडी हमें विदाउट सिंक वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। नागराजू, उसे जाने दो, हम हैं नागों के राजा। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहाँ पर आकर उसे डस लेंगे। समझ गए, ये तो पूरा आउट सिंक है, इसको हम बाद में सिंक करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पकड़ो, हम दोनों को सिंक में मारना पड़ेगा। परफेक्ट, सिंक में मारना पड़ेगा। हाँ, एक बार और। सॉरी, रास्ता उधर है। सरस्वती, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, आखिर में वही काबिल बच्चे ने मुझे तुम तक पहुंचाया, जिसने साबित कर दिया कि मेरे खून में कोई कमी नहीं है, मेरे पोते ने। अरे अगर इस उम्र में तुम घंटों तक बात ना करने की आदत बनाओगे तो बड़े होने पर जब कभी लड़ाई होगी तो तुम महीनों या सालों तक आपस में बात नहीं करोगे। हम उनसे नाराज भी हो सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। नाराजगी जैसे ही दूर होती है प्यार दुगना हो जाता है, मगर दूरी नहीं होनी चाहिए।
जब आप ये समझते हैं तो दादाजी से बात करना क्यों छोड़ा आपने? मैं आपके जिगरे दोस्त रघु रामैया का पोता हूं। जाओ तुम लोग खेलो। दादाजी ने मुझे यहां पर नहीं भेजा है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। मैं अपनी मर्जी से मिलने आया हूं। आपका दोस्त मुझे, आपको, हम सबको किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है। वो ये बात आपको खुद बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें इसका मौका नहीं दिया, इसलिए मैं बताने आया हूं। जिससे आप सालों से नाराज हैं, जिससे बात भी नहीं करना चाहते, वो अचानक अगर दुनिया से चला गया तो आप पछताते रहेंगे। सॉरी रघु, अरे तूने ये कैसे सोचा कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? क्यों रघु, तू आया तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत भी छोटी हो गई है। मुझे लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। अरे इसके जैसा पोता तेरे पास है तो भला किस दादा की इच्छा पूरी नहीं होगी? चल मुझसे एक वादा कर। छोड़, जीने वालों से वादा लेना चाहिए, अरे मरने वालों का क्या भरोसा, हम तो आज हैं कल नहीं। तेरे जिंदा रहते ही तुझसे पूरा करवाऊंगा। तू अपने पोते की शादी मेरी पोती से कर दे, समझ गया? दादाजी आप लोग दो शरीर जरूर हैं, पर आत्मा एक ही है। लेकिन तेरा बेटा मान जाएगा क्या? अरे वो मानेगा कैसे नहीं, अभी तक किसी को जायदाद नहीं दी है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मेरी उंगली पे नाचते हैं सब। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर चलो मैं क्या पापा ऐसे मार रहे हैं जैसे छोटा बच्चा हूं। अरे कहा था ना जब तक 50 का नहीं हो जाता ऐसे ही चलेगा। पापा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रघु रमैया के घर बेटी नहीं दूंगा। अगर उस दिन एम्बुलेंस आकर नहीं रुकी होती ना तो आज आप जीवित नहीं होते। दिल का दौरा पड़ने पर एम्बुलेंस कहीं से अपने आप नहीं टपकती है, उसे भेजना पड़ता है, और वो इनके दोस्त ने भेजी थी। मुझे लगा ही था वो अपने सूर्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो मेरी पोती को बुलाओ, उसकी शादी इसके साथ करवाओ। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या बातें चल रही है? शादी को लेकर लड़ाई हो रही है। क्या कहा? क्या सोच रहे हो तुम? शादी की बात है पापा, इसमें हमारी पसंद नहीं उसे पसंद आना चाहिए। अरे नादान बच्चे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करती, ये करता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, हुआ तो प्यार ही ना। तो अब बस शादी के बारे में सोचो। अब शादी के बारे में सोचो और नहीं तो क्या? ये क्या मतलब है? तुम ही थी ना जिसने एक कार्ड दिखाकर कहा था कि इसी से शादी करनी है। राम 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 राम, अरे अब क्या सारे काम हमें बिना बताए खुद ही करोगी? यानी कि आपको बताना जरूरी है क्या? क्या तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया? अब ये भी क्या मैं आपको बताऊं? अभी तो कहा रिलेशनशिप में है, शादी करा दो। ससुर जी इन दोनों ने चुपचाप रिश्ता तय कर लिया है, अब आप ही देखिए क्या करना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बिना मुझे देखे पापा से बोल रही हो, आखिर मैं भी तो बाप हूँ। शाबाश श्रीनिवास, तू वाकई मेरा अच्छा बेटा। मैंने क्या कह दिया पापा? अभी तो कहा मैं बाप हूँ और इनकी शादी देखना चाहता हूँ, तो देखो कौन रोक रहा है। देखो देखो, अरे देखो ना। मैंने कब कहा? हाँ शायद कह दिया होगा मेरी तरह। ओह तो फिर कह दिया होगा। आप तो शादी पक्की है, मेरी पोती के हाथ की कॉफी पीकर जाना, ठीक है? बिना प्लान किए तो मैं टुक टुक वीडियो भी नहीं बनाती, बिना चेक किए तो मैं इंस्टा स्टोरी भी नहीं डालती, तो बिना प्यार किया आखिर तुमसे शादी कैसे कर लूं? प्यार करने के लिए तुम्हें टुक टुक चाहिए? हाँ बताओ, एंजल लाना का लॉजिक गलत है क्या? देखो कभी कभार हम कोई वीडियो देखते हैं और हमें वो बहुत अच्छा लगता है, तो अपने आप हमारा हाथ लाइक बटन को टैप कर देता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ, हाँ। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या वायरल हाँ। किस्म की लड़की मिली है। तो वीडियो में उंगली से लाइक का बटन दबता है और प्यार में आंख से लाइक का बटन दब गया। अरे हाँ, उस दिन बाइक पर जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे मेरी आंखों ने तुम्हें टैप किया था ना। किया था ना, जोर से किया था। लेकिन मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूं। यही गुस्सा तो प्यार है, प्यार का पहला वचन गुस्सा है। मुझे मारने का मन करता है ना। गला दबा दूं तुम्हारा? चल हट लुच्ची, ये सब शादी के बाद करेंगे। ओ, ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा बताओ ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज?
अब क्या जवाब दूं? ये लव का हम अरेंज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो। लव कम अरेंज, am I right? करेक्ट करेक्ट। इस पगली के तो सारे स्क्रू ढीले हैं। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारा परिवार तो शादी के लिए मान गया है, पर अब मेरे पापा को कैसे मनाऊंगा। ओ मेरे पापा, वेयर आर यू? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी शादी के लिए, तूने दूसरी लड़की की फोटो मुझे भेज दी, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। देखिए पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, उसका परिवार भी राजी है, लड़की भी राजी है, आप मानते हो तो मानो, मैं 10 दिन में शादी कर रहा हूँ। शादी? पहले दादा से कहो फोन पर आए, फोन दो। हाय। क्या पापा, ये आपका काम है? हाँ, आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। तुझे लगता है कि ये ऐसी किसी बात पर ध्यान देगा? अरे तू मेरी बात नहीं सुनता तो तेरा बेटा कहाँ से सुनेगा? अपने आखिरी दिनों में भी आप ऐसे परेशान कर रहे हो, आप इसके लिए जिम्मेदार हो। पापा, दादाजी पर कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं, अगर आपको एतराज है तो आकर सगाई तोड़वा दो, नहीं तो शादी करने के बाद हम मियां बीवी आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। मैं देखता हूँ ये तेरी शादी कैसे होती है, अभी आऊंगा उधर और तोड़ दूंगा तेरी शादी। क्या यार, हम तो कब से सोच रहे हैं कि पापा की आखिरी विदाई कैसे करें और तू सडनली कह रहा है कि मेरी शादी में आओ। मुझे ये सब नहीं पता, अगर आप लोग नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप दादाजी को 2 हफ्ते दे सकते हैं तो मुझे नहीं दे सकते क्या? यू हैव अ लॉजिक, ठीक है हम लोग आते हैं। अगर सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आएंगे, हम जरूर आएंगे साई, पर हाँ केटरिंग हमारी होगी, जो दूसरों को दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही कह रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। साई कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, पर मुबारकबाद फोन पे नहीं चाहिए, आप सबको यहाँ आना ही होगा, समझे? ओके बाय। दादाजी पूरा परिवार आ रहा जी। देखिए, वेलकम टू इंडिया। पापा, बड़े भैया आ गए। अच्छा मैं बात फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश, आखिर तुम आ ही गए। नहीं, इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बचे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब, ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन, अभी शादी हुई है ना? नहीं नहीं शादी है, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए, अलग हो जाओ। अरे सुन सुन सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नारायण, पहचाना ही नहीं? ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा दी थी। किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चलो चलो, रुक रहे। क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक, दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना, चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है?
हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये मेरी मंगेतर। साई से हाय। ये दवाई मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे अरे रुको रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी आई है ना, बहुत अच्छी है। पापा, क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो। है वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझ कर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा। मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, समझा? पापा जस्ट किडिंग, 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 जस्ट किडिंग। अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है, जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। देता है कि नहीं? नहीं नहीं, ये लो। थैंक यू। हाँ रुक जाओ रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। कीजिए, मैं करता हूं ना। रघु तू ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, आप ठीक तो हैं? इतने सारे रिश्तेदार, सारा परिवार है साथ और तू मेरे पास, इससे बेहतर समय क्या होगा आखिरी सांस लेने के लिए? दादाजी, 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 दादाजी उठिए, दादाजी, दादाजी उठिए, दादाजी, दादाजी उठिए, उठिए दादाजी, दादाजी उठिए। सर सर सर, आप आगे नहीं जा सकते, डॉक्टर अभी देख रहे हैं। ठीक है, यहीं रुकते हैं। भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा ने सब हिस्सों को पहले से ही बांट दिया? क्या कहना चाह रहा है? मतलब 5 साल पहले पापा ने अपनी जमा पूंजी हम सब में बराबर बांटी थी, लेकिन अगर इन 5 सालों में उन्होंने कोई जमीन या प्लॉट खरीदा होगा तो विधियां खत्म होने के बाद आपस में बराबर बांट लेंगे। कहना ये था कि फिर से आना पड़ा तो प्लानिंग की ऐसे की तैसे हो जाए। अरे ये सब बातें इधर करेगा तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। व्हाई? इट्स प्लानिंग, इट्स कॉल्ड। रुक जा, रुक जा, नर्स आ रही है। नर्स, अब हालत कैसी है? वो मेरा मतलब चल बसे, बताओ ना कंफर्म क्या हो गया है, हम लोग मेंटली तैयार हो सकते हैं ना फिर। एंड व्हाई आर यू क्राइंग सिस्टर? वो मेरे पापा हैं, हमें रोना चाहिए। हे यू ऑल क्राई।
सर ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई है, डॉक्टर अभी देख रहे हैं, उसके बाद रोइएगा, अंदर चलो पट्टी बदलनी है। जब से यहाँ आए इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग। बंद करो ये सब, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है, शांत रहो तुम, शांत रहो। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ससुर जी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और आप हमें रोने नहीं दे रहे। अच्छा और तुम एम्बुलेंस में रोई थी उसका क्या? और वो तुम ही थी ना जो कह रही थी इनके मरने के बाद तुम शॉपिंग करोगी, मजे करोगी। ड्रामा बंद करो और पल्लू से मुंह छुपा लो। लगता है भाई साहब अमेरिका में रहकर मजाकिया हो गए। अरे पापा मरने वाले इस बात से तू दुखी नहीं है, बल्कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले 13वीं के खाने का, इसलिए खुश हो रहा है तू। पापा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अरे आज चुप ही हूँ, तू अंदर जाके देख कितना टाइम बाकी है अभी। अरे तुझे क्या कॉमेडी लग रही है क्या सब? अबे तेरा बाप तो बहुत महान लगता है, उनमें थोड़ी सी भी समझ होती ना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। ये इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? सर सर ये हॉस्पिटल है और ये आईसीयू है, पापा को यहीं भर्ती किया हमने, और इस तरफ एग्जिट है। ए हट जाओ सब, ये एग्जिट है सर, यहाँ से बॉडी बाहर ले जाते हैं। वो ठीक है सर, पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं आपने जब पहले फोन किया था मैं ढंग से बात नहीं कर पाया था ना, आपको मेरा झूठ ना लगे इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ सर। ऐसा कौन होगा जो अपने पापा के बारे में झूठ बोलेगा, खासकर आप जो अपने पापा से इतना प्यार करता है। बस सर अच्छा लगा आपको मुझ पर भरोसा है। सर नर्स आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ सर। गॉड ब्लेस सर। क्यों क्या हुआ? सब खत्म हो गया सर, वो अब हमारे साथ नहीं रहे। रोना चालू करो, धीरे धीरे, हॉस्पिटल है, धीरे, तुम बाद में रोना। अरे बेवकूफ, मर्दों की तरफ जाकर रो। बस बस शांत हो जाइए। माय फादर जस्ट पास्ड अवे। तुम भी मैसेज भेज दो। नहीं भैया मैं फोटो लूंगा, अच्छे से डिजाइन करूंगा, फिर ट्वीट करूंगा। सब आ रहा है पे रिप्लाई भेजने वाले हैं और क्या। हेलो सर। क्या हुआ सर, मेरे फोन रखते ही आपने मैसेज कर दिया? आपके फोन और मेरे मैसेज के बीच में आकर नर्स ने बैड न्यूज दे दी सर। ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी सर। वैसे बाकी सब लोग आ चुके हैं क्या? हाँ सर सब बाजू में बैठ के रो रहे हैं, आप सुन रहे हो ना सर। क्या ये शादी हम एक साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? ओह हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, पहले आप और आपका परिवार इस दुख से बाहर आ जाए फिर बात करते हैं सर। अरे प्रोजेक्ट सर, आई टोल्ड यू नॉट टू वरी, मैं पर्सनली इसका ध्यान रखूंगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। क्या भैया लगता है आपने प्रोजेक्ट बचा ही लिया? अरे बैड न्यूज में कुछ गुड न्यूज मिल जाए तो क्या बुरा है। भैया पापा की मौत का आपको कुछ तो फायदा हुआ, पता नहीं मेरे लिए क्या छोड़ गए। ए, लगता है सिर्फ मुझे ही अकल है, मैं कम से कम सोच तो रहा हूँ, तुझसे तो नाटक भी नहीं हो रहा। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं सिस्टर, कम से कम इन्फॉर्मेशन देने से पहले चेक तो करना चाहिए था। सॉरी सर ये इसकी गलती है। हेलो 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 एक्सक्यूज मी सॉरी, आपके पिताजी बिल्कुल ठीक है, डेथ उनके फादर की हुई है। क्या? अरे स्वामी फोन में क्या लगे हुए, पिताजी तुम्हारे गुजरे हैं और ये लोग रो रहे हैं। पापा तेरे नहीं मेरे गए, पापा क्यों गए? मेरे पापा का क्या हुआ, हाउ इज ही? ही इज एब्सोल्युटली फाइन सर, आप सबको एक साथ देखकर एक्साइटेड हो गए और बेहोश हो गए। तुम्हें पक्का यकीन है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, आप लोगों को एक साथ देखकर वो इतने खुश हैं कि उनकी जिंदगी 2 हफ्ते बढ़ गई। अच्छा कुछ क्लैरिटी दो। समझाता हूँ सर, आज तक सुना था खुशी से बड़ी कोई दवा नहीं होती, आज मैंने देख भी लिया, वो आप सबके साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। आप सबको एक साथ देखकर उनका दिल 2 हफ्ते और जीना चाहता है, उनकी इच्छा पूरी हो रही है ना, हो गई क्लैरिटी? अरे वो 5 हफ्तों का क्या हुआ जो 2 हफ्ते पहले बताए थे? सर सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस हर चीज 2 हफ्ते पीछे खींच लीजिए। हैं? तुमने तो बोला था 6ठे हफ्ते का कोई चांस ही नहीं है। अब उन्होंने मेडिकल साइंसेज को चुनौती दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ।
हेलो सर, सॉरी टू बॉदर यू अगेन, मैं आपको बताना ही भूल गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं आप और आपके परिवार के साथ खड़ा हूँ। उनको बताऊं कि नहीं, चलो बता ही देते हैं, वही अच्छा है। हाँ अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे सर, 100 साल की उम्र है आपकी। मैं टेरेस पे आके आपको फोन करने वाला था क्लैरिफाई करने के लिए, क्या हुआ इतने में आपका फोन आ गया। सर आई टोटली अंडरस्टैंड, अगर आप चाहें तो अपने पापा के जाने का गम मेरे साथ बांट सकते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए सर। कल असल में मेरे पापा झूले पर बैठे बैठे बेहोश हो गए, हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी सर। हाँ आपने वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया था आप उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे, पर ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। सही कहा सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सब कुछ एकदम शुरू से समझाऊं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे सर। आई एम सो सॉरी, प्लीज टेल मी, बोलिए। जब हम फोन पे बात कर रहे थे तभी बीच में नर्स ने आकर बैड न्यूज दी सर। ये तो मैसेज करके बताया था आपने, मैंने आपको फोन किया था जस्ट टू गिव माय कंडोलेंसेस। हां आपका कंडोलेंस मैसेज आया था, उसके बाद में डॉक्टर ने। वो क्यों आया था? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है? सर क्या सर? नॉट यू रमेश, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। सर छोटी सी गलती थी सर, और अब तुम्हारे लिए छोटी सी गलती हो सकती है। तुमने अपनी आंखों से क्यों नहीं देखा? और तो और तुमने मुझे उस झूठ पर यकीन दिला दिया जिस पर तुम्हें यकीन था। तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है, बहुत बड़ी गलती की है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी सिचुएशन है। तुम ऐसे आदमी हो जो छोटी छोटी गलतियां करता है, और इसकी क्या गारंटी है कि बड़े प्रोजेक्ट में तुम कोई बड़ी गलती नहीं करोगे? नहीं सर, यही तो कारण है जैसे ही मुझे अपनी गलती का पता चला मैंने आपको मैसेज किया। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें मारने की बजाय सिर्फ नौकरी से निकाला है, नहीं तो अभी तक मेरी बंदूक की एक गोली तुम्हारे शरीर में होती। सॉरी रमेश सर। नहीं सर, वो तो कह रहा है कि छोटी सी गलती है सर। मेरे पापा ने छोटे सांप को भी बड़े डंडे से मारना सिखाया। जब मैं मारता हूं तो पक्का करता हूं कि उसे दोबारा ना मारना पड़े। ओके, आयरन रॉड से मारता हूं। वो चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा अपना कोई गलती कर दे तो उसे ऐसी सजा देता हूं कि यू कांट जस्ट इमेजिन मिस्टर रमेश। आई कैन फील इट सर। एनीवे सर, सॉरी सर, आप क्या बता रहे थे कि नर्स के बाद डॉक्टर ने आकर कुछ कहा था? कुछ नहीं सर, नर्स ने जो खबर हिंदी में सुनाई थी वही खबर डॉक्टर ने इंग्लिश में आकर सुना दी। योर डैड इज नो मोर, अब रखता हूं सर। ये कहना क्या चाह रहा था, कह क्या रहा है? लगता है बाप के गुजरने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया शायद। खैर ऐसे बेटे को छोड़कर तुम वहां क्या कर रहे हो? दादाजी रुकिए। ये लो हाथ छोड़ दिए। दादाजी जान से। दादाजी। ओहो ये पैर हटा दिए। दादाजी रुकिए। दादाजी इतने जोश में क्यों निकले हो? भगवान ने ना सिर्फ मुझे पेंशन दी है बल्कि अब तो मजे करने के लिए बोनस भी दिए। कौन होगा ऐसा किस्मत वाला जो अपनी मौत का जश्न रोज मना सके? मुझ जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। आ चल। एंजल आर्ना। दादाजी क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? ठीक तो है ना? ओ तुम हो। क्या बात है, सुबह सुबह साइकिल पे एंजल आर्ना को ढूंढना भी शुरू कर दिया और अपने साथ दादाजी को भी ले आए। हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये साइकिलिंग मेरे लिए है। रहने दो दादाजी, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। एंजल आर्ना से मिलना था इसलिए आपके साथ आया है। ओ, लगता है इसने इसे बताया नहीं। क्या सोच रहे हैं दादाजी, मैं आपको बताती हूँ ना, ये साइकिल पर इसलिए घूम रहा है ताकि मुझे फॉलो कर सके आपके साथ। क्या प्लान है? दादाजी चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, इसे लगता है सब इसकी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि इसे लगता है कि ये गांव इतना हरा भरा इसी की वजह से है। अच्छा ये बात है, तो ये लो टुक टुक वीडियो की कसम खा और कह दो कि जो कह रहे हो सच है। अगर गलत निकला ना तो तुम्हारे फोन के सारे ऐप उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बता दे यार, इस कचरे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या मुसीबत है, दादाजी की इच्छा नहीं होती ना तो इसे बता दा। चलो
देखो बात साफ है, मैं इतनी दूर सात समंदर पार करके तुम्हारे टुक टुक वीडियोस देखने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता है तुम अपने दादा के लिए आयो, बार बार कहने की क्या जरूरत है। अरे मेरा मतलब है मैं उनकी इच्छाएं पूरी करने आया हूँ। उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और मुझे भी तुम एंजल जैसी लगी, इसीलिए तो तुम्हारे घर वालों को पटाया और तुम मुझ पे ही शक कर रही हो। तुम तो बातें बना रहे हो, सबने मुझे मनाया, अब लगता है कि सबने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किसी की बातों में आकर कोई शादी करता है क्या? ऐसे थोड़ी होता पगली, मैं तुम्हारे दिल में इंस्टॉल हुआ हूँ ना, बोलो तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर। ये परवर क्या है, सब कुछ सच बता दिया फिर भी मुझे छोड़ के जाओगी? ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, टुक टुक फैमिली में मेरी इज्जत क्या रहेगी? एंजल आर्ना की जिंदगी है, लोग मिसाल देते हैं। जूम करके देखोगी ना तभी मेरे वीडियोस में गलती नहीं दिखेगी, और तुम कह रहे हो अपनी जिंदगी में गलती कर। बैठो, छोड़ो। देखो हमारी टुक टुक वीडियो को कितने सारे लाइक्स मिले और कितने कमेंट्स आए हैं। हम सुपर सक्सेसफुल कपल है, कितने लोगों ने कहा है। इतना अप्रिसिएशन देखकर मैंने लोगों से वादा किया था कि तुम्हारे साथ लाइव डुएट करूंगी, प्रॉमिस किया था मैंने। डुएट वीडियो करना है, करेंगे ना बाबू? नहीं करना मुझे डुएट वीडियो। ओले मेरा बाबू नाराज हो गया, कोई नहीं इस पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके जब मैं इनका हेल्दी बिहेवियर देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं बीमारी से मरने वाला हूँ। चल हट जा। जब मैं इनको हंसते हुए देखता हूँ तो इनकी एनर्जी लेवल को देखकर लगता है कि ये 5 वीक्स की डेडलाइन पूरी करके 3 वीक्स का एक्सटेंशन तो ले ही लेंगे, नो डाउट। आप करना क्या चाहते हो भैया? मैंने तो 2 वीक्स इनके मरने से पहले और 2 वीक्स इनके जाने के बाद के प्लान किए थे, और लास्ट के पूरे 4 वीक्स मैंने इनके आखिरी दिनों के लिए बचाए थे। ये तो सडनली ठीक ही होते जा रहे हैं। आई कांट सिट अराउंड हियर एंड बी अ डोल ब्लजर, राइट? अरे तो जाओ जाओ जाओ। आप ही बताओ, बच्चों का स्कूल है, इनका ऑफिस है, वो सब छोड़ के हम यहाँ कैसे बैठे रह सकते हैं? ये क्या कह रही हो, ऑफिस से तो छुट्टी लिया ना। भाई साहब, हम लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं तो अपनी मर्जी से चले भी जाएंगे। सबको बहुत से काम है, मेरे हिसाब से तो हम ही आप सबसे ज्यादा बिजी हैं। That's a good idea. तो तुम ही पापा से पूछ लो। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक हफ्ता वो हमारे साथ कैसे बिताना चाहते हैं। Let's move it. अंकल, ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं? प्यार से बताइए, उन्हें समझाइए, फिर यहाँ से जाइए ना, वो मरीज है, सही वक्त देखकर बात करें। अरे सुनो, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, रामकृष्ण के फार्म पर जाना है। और क्या चाहिए, इन्होंने तो खुद ही जगह और सही वक्त बता दिया, हमें तो सही वक्त पर धमाका करना है बस। मूव इट, मूव इट, मूव इट, मूव इट। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो दादाजी से कौन बात करेगा? कौन बात करेगा मतलब, भैया ही बात करेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, भाई साहब ही ससुर जी को समझा सकते हैं। पापा अब आप ठीक हो रहे हैं तो हम जा सकते हैं, और फिर हम अपने घर आराम से जा सकते हैं। वाह, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अंकल को बकरा बना रहे हो तुम लोग? बकरा कैसे? आप भी बड़े भोले हो, ये लोग सब मिलकर आपको दादाजी के सामने भेज रहे हैं ताकि सिर्फ आप बुरे बनो और वो आपके परिवार को यहाँ से भेज दें, और ये सब मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट का बड़ा हिस्सा अकेले हड़प जाएं। रिटर्न गिफ्ट क्या और कब देने वाले हैं? वाह, नाटक देखा जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बेटा हम समझे, इसे कुछ बता। समझाता हूँ, सबको हिस्सा देने के बाद बचे हुए पैसों से उन्होंने फार्म खरीदा जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। अब आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जा सकते। ये 100 करोड़ का है? I knew it. भैया ये मैंने आपसे हॉस्पिटल में कहा था ना। फिर उन्होंने इसे रामकृष्ण का क्यों बताया? रामकृष्ण इसे खरीदने वाला है, क्योंकि आप सब अपने काम धंधे छोड़ के इतने दिन के लिए आए हो तो वो चाहता है कि आपको खाली हाथ ना लौटाएं, इसलिए वो इसे बेचकर आप सबको बैग भर भर के रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। अब बैग में क्या होगा ये आप सोच लीजिए। खैर मुझे लगा था आप सब यहाँ रुक के उन्हें इम्प्रेस करके अपने बैग का साइज बढ़ा कर जाओगे, पर आप सब तो खाली हाथ जाने को बेताब हो। जाओ जाओ जिसे जाना है। अच्छा है जितने कम लोग होंगे बैग उतना ही ज्यादा बड़ा मिलेगा। कल क्यों, आज ही जाओ, आज ही जाओ, आज ही जाओ। नो 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 नो, क्यों भाई, तुम लोग कह रहे थे कुछ बात करनी थी? कुछ नहीं पापा, what I am trying to actually say that... अरे रुको भैया, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं पापा, भैया कह रहे थे कि उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो उन्हें जाना है। सिर्फ मैं, बाकी कोई नहीं? हम सब तो यहाँ है ना, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, आपको किसी की कमी नहीं खलेगी। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए उन्हें।
भैया। अरे ये बज रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नेक्स्ट नेक्स्ट। आपका सबसे क्या मतलब है? अच्छा बताइए तो हम कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, सारा काम खराब कर देंगे। आपको पता है जब मैं आपके पास होती हूँ तो लगता है मैं अपने पापा के साथ हूँ। ये संगीत तो अवार्ड विनिंग एक्टिंग है। भला कोई अपने पापा को ऐसे हाल में छोड़कर जाता है क्या, वो भी आखिरी दिनों में? तो जब तक ससुर जी बोर नहीं हो जाते हम यहीं रहकर इन्हें नारियल पानी पिलाएंगे। लाइए ना जी। ये लो। लीजिए ससुर जी, मेरा मतलब है पीजिए पापा। नारियल पानी बढ़िया ही पापा को पिलाने वाली। अपने आप हाथ से फिसल के बॉल, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। पापा मैं... अरे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, ना तो मैंने जबरदस्ती बुलाया है और ना ही तुझे जाने से रोकूंगा। ये सब लोग है ना यहाँ, तुझे इन सब में महसूस कर लूंगा। जा जा, जा। चलिए पापा। क्यों, तेरी टिकट बुक हो चुकी है ना? अब परमिशन भी मिल गई। सरप्राइज क्या है बताओ ना जल्दी से। पता चल जाएगा तो सरप्राइज कैसे होगा, देखते है ना, शायद अंकल इन्हें गिफ्ट देने वाले है। तुम्हें भी साथ बुलाया है ताकि तुम भी ऐसा ही कोई गिफ्ट अपने दादाजी को दो। अरे तू इतना सिंपल क्यों बना रहा है, तुझे लगता है ये सब इतना सिंपल है? ये एक ऐसा गिफ्ट है जो दुनिया में किसी के पापा को उनके मरने से पहले नहीं मिला होगा। ओह इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। वाह क्या इनोवेटिव आईडिया है, टुक-टुक वीडियो बनाऊं मैं इसका, मजा आएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, कहीं यहाँ इनके लिए पहले से ही समाधि तो नहीं बना दूं? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। ये क्या है? ये आपकी समाधि है पापा, इट्स योर ग्रेव। मैंने इसे बनाया ताकि आप माँ के बगल में सो के चिर शांति लें, शाम में दोनों आपस में बातें करें और वक्त का पता ही न चले। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद आप माँ के साथ हमेशा आनंद में रहें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। हाउस माय विजन पापा। अरे बहुत बढ़िया, जानता हूँ सोच कर रहे हो, वो बकवास कर रहा है, तुम कुछ बोलोगे नहीं? अंकल ये सब क्या है, जीते जी किसी की समाधि बनाते हैं क्या? तो क्या हुआ, इनके मरने के बाद हम इनके लिए कुछ अपनी मर्जी से बनाएं, उसे अच्छा क्या अभी दिखा दें, ताकि जब ये वहाँ जाएं अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहें और खेत खलिहान की बातें करें, हरियाली की बातें करें, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या सोच रहे पापा, आपको डिजाइन अच्छा नहीं लगा? मुझे बता दीजिए अगर आपको पसंद नहीं आया तो, वी हैव अदर ऑप्शंस टू। समाधि के लिए भी ऑप्शंस होते हैं क्या? मिस्टर आरपी, ब्रिंग इट ऑन मैन, ब्रिंग इट ऑन। अंकल ये समाधि नहीं लग रही, बच्चों के खेलने का स्लाइड लग रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, माँ और पापा, माँ और पापा का खेल, माँ और पापा स्लाइड करते हुए खेलेंगे। ओ लगता है आपको पसंद नहीं आया, अब मैं आपको एक यूनिवर्सल ऑप्शन दिखाऊंगा जो सबको पसंद आएगा। आरपी, ये तो समाधि जैसा लगता नहीं, कोई फिल्मी अवार्ड है। एग्जैक्टली माय पॉइंट अगेन। अरे एंजल आर्ना, अगर तुम्हें इस लोकेशन प्रिपरेशन या डेकोरेशन से इंस्पिरेशन मिल रही है तो टुक टुक वीडियो बनाओ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। जस्ट अ सेकंड पापा, एक मिनट, मैं आपकी समाधि के लिए शिला फलक भी लाया हूँ, रेडी? जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। स्वर्गीय रघु रमैया जी, जन 10/1/1942, मृत्यु तारीख के लिए अभी वेटिंग, लेकिन महीना और साल कंफर्म है। क्योंकि आप भाषाओं को लेकर बहुत सजग रहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, तो एक बार खुद ही पढ़ लेना, देखिए ना कोई गलती तो नहीं। महान है आप जो अपनी ही शीला की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, अद्भुत। लगता है नहीं कि 2020 है, 2050 लग रहा है। मैं हमेशा 100 साल आगे की सोचता हूँ, इट्स माय विजन। पापा आपको अच्छा लगा ना, आप खुश हो, बोलिए ना पापा। बहुत खुश हूँ, तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारी माँ साथ साथ रहें, लेकिन जब खुद की समाधि देखने को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। I understand। मेरे मरने के बाद जैसा चाहो कर ले। दादाजी इनकी बात का बुरा मत मानना, ये तो बस यूं ही कह रहे थे। ये कोई बात हुई क्या, इस तरह किसी को इम्प्रेस किया जाता है क्या कभी? छी। अगर तेरी केटरिंग वाली चाची को पता चल गया कि वो समाधि से तेरे दादा को इम्प्रेस करने में लगे हैं तो क्या होगा? पापा ये देखो, पापा देखो ना पापा। ये क्या है बेटा? इस लिस्ट में वेज नॉन वेज मिलाकर 108 किस्म के खाने हैं, इन्हें देखकर बताइए ना। अभी खाने की बातें क्यों कर रहे हो भाई? अभी के लिए नहीं भैया, इनके मरने के बाद, इनकी 13वीं के लिए। अरे इसने तो हद ही पार कर दी है ना, है? ये समाधि के सैंपल ले आया और तुझे 13वीं के मेन्यू की पड़ी है, ऐसे लग रहा है कि ये बॉल अभी इधर उधर घूम के मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वालों को ये आइडिया आता है क्या? मेरी बीबी भी बहुत आइडियल है। तो इसका दिमाग है। क्या हुआ, आप लोग इतने शौक क्यों हो? रुको और भी है, अभी बताता हूँ। पापा मेरे साथ चलिए, आइए 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 आइए।
ये बस उनको समाधि तक ले जाएगी। पूरा सजाया भी है उसको। देखो पापा, आपका छोटा बेटा शान से आपको समाधि तक ले जाएगा। सबसे बड़ी फूलमाला, जरा सोचो इसे पहनकर जब आप गाड़ी में लेटकर शहर का चक्कर लगाएंगे मजा आ जाएगा। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे, मैंने गद्दे भी लगवाए ताकि लेटने में आपकी पीठ पे लोहा न चुभे। स्पीड ब्रेकर आ भी गया तो आपकी बॉडी नहीं हिलेगी, आपकी अंतिम यात्रा आराम से हो जाएगी। ए, उनको पूरा शहर में घुमाना कोई फंक्शन नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा आइडिया, कोई बुराई नहीं। पापा को भी ये पता चल जाएगा कि लेटने के बाद वो कैसे लगेंगे, क्योंकि तब तो देख नहीं पाएंगे। पापा एक चक्कर लगाते ना पापा, चलो ना पापा। ए, बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तेरी बीवी ने तुझे ये सब करने के लिए उकसाया है तो थोड़ी देर में वो भी आकर कुछ करेगी। ये क्या है दिखा? कुछ नहीं। मैंने देखा है, तूने छुपाया कुछ? नहीं कुछ नहीं है। दिखा दिखा दिखा। सच कह रही हूँ, कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे, कुकट पल्ली की कैटरिंग लेडी दिखाओ। हे मेरे भगवान, ये तो पवित्र गंगा जल ले आई है। गोविंदा गोविंदा। लाओ मुझे दो भाई साहब, मरने के वक्त पीने से अच्छा है अभी टेस्ट कर ले। अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनके हिसाब से हम मिक्स बना लेंगे। तुम क्यों मुंह खोल के मुझे देख रहे हो? तुम्हें भी पीना है? हे भगवान, मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? जब कोई मर जाता है तब उसके मुंह में डालते हैं, अनाड़ी औरत। हे भगवान, ये मुझे देखा नहीं जाता। आजाओ, आजाओ। क्यों पापा, आपको ये अच्छा नहीं लगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी इस मासूमियत पर मैं हंसूं या रोऊं। जा पहले ये सब हटा कर। हे भगवान। अच्छा मैं चलता हूँ। दामा जी मैं निकलता हूँ। भाई साहब सुनिए ना, आपको घर की तरफ जाना है ना, बस भी वहीं जा रही है, बैठ जाओ। इस गाड़ी में क्या? कुछ नहीं, मैं रिक्शे में चला जाऊंगा। अरे चलता सुनो तो, अरे इनको ड्रॉप कर दो। पापा मुझे लगा आप सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाओगे, इसलिए मैंने सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाया है। आप यहाँ अकेले बैठकर खा रहे हैं, आप चलिए। और वैसे भी पापा, हम सब आप ही के लिए तो आए हैं, और आपको यहाँ अकेले बैठकर खुशी मिलेगी क्या? आप पहले चलिए। पापा खाइए। ये सब क्या है बेटा, अगर इतना सारा खा लिया तो? अरे डॉक्टर ने आपको कुछ भी खाने से मना नहीं किया, आप खाइए ना, खाइए पापा। खिलाओ ने, और जितना जल्दी हो सके मार दो, उसके बाद बहुत सारे काम भी तो करने, बच्चों का स्कूल, पति की नौकरी। देखा पापा, मैं तो आपको प्यार से खिलाना चाहती थी, और भैया कैसी बातें कर रहे हैं। माता सावित्री, अच्छा है कि आप जिंदा नहीं हो, नहीं तो मेरी बहन ने आपको भी खाना खाने के कॉम्पिटिशन में लिया होता। देखो ना पापा। चुप कर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। देखो मैं खा रहा हूँ, मेरी बेटी कितनी प्यारी है। और आपकी बहू नगीना, बेशकीमती हीरा जैसे मालपुआ। इसे क्या हुआ? अरे तो ये थाली लो और टेबल के नीचे बैठ के दोनों खा लेना, एक दूसरे को खिला देना। अरे कुछ तो शर्म करो, सिचुएशन क्या है? और तुम तो सवेरे से ही लगे हो, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम एक दूसरे को टांग मार के बस इशारे कर रहे हो। यहाँ घर के सारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं और तुम नीचे ये कौन सी हरकतें कर रहे हो बताओ? भाई साहब, इन लोगों का अभी तक हनीमून नहीं हुआ है ना। अरे अरे, तो फिर इन दोनों को टेबल के नीचे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। अरे इसने तो वो सजी हुई शव वाहिनी का भी फायदा उठाया है। ये समझता है क्या खुद को? इसको बताना चाहता है कि ये खुद पहलवान की तरह है करके, या हम सबको बताना चाहता है कि इसके अंदर कितना स्टैमिना है? समझ में नहीं आ रहा है। पापा आपके हाथों से स्क्वीज बॉल छूट गया, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ये लीजिए, स्क्वीज कीजिए, कीजिए। अरे खाना खाते वक्त इस बॉल को लेके क्या करूं मैं? लगता है तुम सबको दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये भी आ गया, अमेरिका से मेरी गर्दन दबाएगा, वो भी अंग्रेजी में। चल रास्ता दे, इस बॉल की जगह उसकी गर्दन होती तो वो भी मरोड़ देता। हेलो हाउ आर यू सर? आप इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरे बाप जिंदा है और मेरे बेटे ने सगाई भी कर ली है? सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। सर आप छुपा क्यों रहे हैं? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आप अपने पिता की मौत का गम दबा क्यों रहे हैं और मुझसे इतनी एनर्जी और हंसी के साथ बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक?
सही है सर। सर 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 आप अपने पापा को खोने का गम संभाल नहीं पा रहे। अरे पहले चैन से खाना तो खा लो। चुप रहो, मैं फोन कर बोलो उसको पटक के मारूंगा मैं। हाँ जोड़ता हूँ, मुझे बात करने दो। अरे बाद में बात कर लेना, आजा। ये कौन है? आजा। किसकी आवाज थी? हाँ सर वो तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। तुम्हें अपने पापा की कमी खल रही है तो तुमने अपने अंकल को साथ रखा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे पापा जैसे हैं। Am I right? What a guess, sir. You are a genius, sir. Genius. You are simply great, sir. God bless you, sir. सर मेरी बेटी आपके बेटे से बात करना चाहती है। लड़की तो उसके पास में बैठी है सर। I mean, what? No, sir. क्या है कि घर में सारे लोग डिप्रेस्ड है ना सर, उसमें मेरा बेटा भी है सर। सर मैं क्या थोड़ी देर बाद में आपको फोन करूं सर, घर में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। इसने फोन क्यों काट दिया? सुनिए जी, अजीब आदमी है। अगर उनका साथ देना चाहते हैं तो जाके उनके दुख में शामिल हो जाइए, लेकिन बेटी बात करना चाहती है ये बात उन्हें बोल के उन्हें बुरा महसूस मत कराइए। और जब हम ये रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। I will just call him up. उनके घर में मौत हुई है तो बता क्यों रहे कि हमारे, सीधे चलते हैं ना। All right. Love you, Dad. पापा अच्छे से ले जाना। पापा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैदराबाद में एक सीनियर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जा रहा हूँ। सेकंड ओपिनियन लेना कभी भी अच्छा होता है। यहाँ के डॉक्टर पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, इसलिए जा रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दादाजी आपने इनमें बदलाव देखा? फिक्र करके आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो भी फादर्स डे पर। एंजॉय। पापा चलो ना। हाँ हाँ अभी आया। ये देखकर उस वक्त की याद आ गई जब हमारे पापा हमें इस तरह बाहर ले जाया करते थे। आज वही फीलिंग तेरे दादाजी की आंखों में दिख रही है। बाबू अगर तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर तो मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा की भी वही मेंटालिटी है ना, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं क्या मतलब? अरे देखो तुम्हारे दादाजी के मरने के लिए 2-3 वीक करके टाइम गिन रहे हैं। सोचो अगर कल को मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो ये तो मुझे आने नहीं देंगे। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहले आती है मेरी फैमिली और मेरी फैमिली के इमोशंस। तुम्हें पता है मेरे घर में अब भी सब लोग साथ मिलकर रहते हैं, तुम्हारे घर की तरह नहीं। मेरी क्यूटी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेरे पापा सुधर रहे हैं इसलिए दादाजी को आज हॉस्पिटल लेके गए हैं। पता है पिछले 10 सालों में आज पहली बार मेरे पापा ने दादाजी के लिए कुछ किया। महेश भी उनके साथ गया, अगर यकीन आए तो उसी से पूछ लेना तुम। महेश? हाँ वो वहाँ देखो अकेले बैठकर प्रसाद ठूस रहा है। हे महेश तू वापस कब आया? पापा कहाँ पर हैं? दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? पापा उन्हीं के साथ हैं? क्या बात कर रहे हो? पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? सर बात यह है कि मैं यहाँ ये पता करने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर ने दी हुई डेडलाइन सही है या नहीं। अगर सही है तो मुझे US जाकर जल्दी वापस आना पड़ेगा। मेरे ऊपर काम का बहुत बड़ा प्रेशर है डॉक्टर, ऐसे नहीं चल पाएगा। इस बार मैं वापस आऊँ तब वो वेंटिलेटर पर ही होने चाहिए, अगर नहीं रहे तो मेरे लिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी डॉक्टर। देखिए सर आपके पापा की हेल्थ उनके ही हाथ में है, अगर वो ऐसे ही हैप्पी रहे तो शायद कुछ दिन और जी जाएंगे, लेकिन अगर वो कमजोर हो गए तो उनकी मौत जल्दी हो सकती है, और अगर उन्होंने तुम्हारी ये सब बातें सुन ली तो शायद अभी मर जाएंगे। आप मेरे पापा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो डॉक्टर। अरे तेरे चाचा चाची को तेरे पापा से कंपेयर करूं तो वो तो देवता है, देवता। पापा आपको क्या लगता है आपके पापा ने डॉक्टर की बात मानी होगी? दादाजी
आजा। पापा आपको जो भी देना है बेटे और बेटियों को एक जैसा देना और अपने पोते और पोतियों को भी एक जैसा ही देना। ससुर जी अगर आप हमारे वेट के हिसाब से बैग का वेट बढ़ा दें तो अच्छा हो जाएगा। हाँ ये ठीक है भाभी, मेरे सामान का वजन आपसे एक किलो ज्यादा है। रिपोर्ट्स पॉजिटिव। शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग क्लर्की, शी इज गेटिंग। ओ तुम लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे अभी भी पता चला कि श्रव्या प्रेग्नेंट है, अभी भी कंफर्म रिपोर्ट मिली है। कांग्रेचुलेशंस। पापा पापा अब तो कंफर्म हो गया है कि आप श्रव्या से ही जन्म लोगे। ये अरे ये कैसे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझे नहीं, अगले महीने तक पापा पक्का मर ही जाएंगे और श्रव्या के तीसरे महीने में पहुंचते ही बच्चे में जान आ जाएगी और दोनों ही इवेंट की टाइमिंग एक है। इस तरह पापा की आत्मा भटकेगी नहीं और वो सीधे श्रव्या के बच्चे के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब है कि 9 महीने के बाद मैं पापा का नन्ना बननी चाहूंगा, नन्ना बननी चाहूंगा। सुनो मतलब पापा सच में उसके पेट में है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल पापा ही। आप चाहो तो हाय बोल सकते हो। अरे बाप रे पापा, पापा। आराम से, इतनी जोर से क्यों कह रहे हो? अरे ससुर जी अंदर सब कुछ ठीक है ना? तुम चुप रहो ना, बाहर हमें इतनी गर्मी लग रही है तो अंदर उनको कितनी गर्मी लग रही होगी। अब अच्छा लग रहा है पापा? यही वो अजीब गरीब चीजें जो प्रकृति हमसे करवाती है। बस करो यार, हद होती है, चाचा चाची पेट से खेलना बंद करो। अब जो मैं कहने वाला हूँ सब लोग शांति से सुनो। दादाजी वो वजह है जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार आज एक साथ है। हम लोग जिंदगी की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी नहीं मिलते। ये बात तो सही है। तो हम लोग अनजाने में नया घर और नई यादें बनाने के चक्कर में पुराने घर और पुरानी यादों को मिटा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ हम आज दादाजी को एक वादा करें कि चाहे वो रहें या ना रहें, हम हर साल उनके जन्म दिन पर यहाँ आकर साथ में रहेंगे। सबको मंजूर है? प्रॉमिस? प्रॉमिस, प्रॉमिस। व्हाट एन आईडिया, क्लासिक, फैंटास्टिक। देख लिया ना, ये लोग तालियां बजाकर प्रॉमिस करने से बच रहे हैं। बात तो ठीक कही है। बेटा तूने मेरे दिल की बात पढ़ ली, तू ही मेरा असली वारिस है। आ मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। डायलॉग मार के पूरे बैग हथिया लिए। अब हम लोग क्या करें? अपने भाई के पास जाकर पूछो। हाँ। एक्स्ट्रा बॉल है क्या, उसे तुम दबाओ। भैया आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है? बॉल उसकी जेब में है। क्या हुआ? सॉरी हाँ। इस उम्र में शरीर और जमीन से प्यार क्यों है? अब तो मोह छोड़ दे, यहाँ रह नहीं सकता लेकिन जा भी नहीं पा रहा। बहुत बुरा लग रहा है शरीर और हम दोनों को। हमें तो नहीं लगता कि तू 25 दिन भी जी पाएगा। ये बात पक्की है, ये सिंह ब्रदर का ब्रह्म वाक्य है। भैया मुझे भी लगता है कि हम इनकी बात से सिंक में है। नहीं महेश पानी लेकर आ। अब तो इन्हें गंगा जल दो, वही पिएंगे और निकल लेंगे। घर की औरतों ने पहले से ही मिला दिया होगा ना? किसी ने यहां मौत के बारे में बात भी की तो उसे मौत के घाट उतार दूंगा। डोंट ओपन, ही इज ओपनिंग। ये तो धोखे की घंटी बज गई, चुपके से यहाँ से निकल लेते हैं। चलो पापा घर चलते हैं, यहाँ तो मारामारी चालू होगी। अरे बैठो, पूरी फाइट देख कर जाएंगे क्या मारता है।
जितनी बुरी तरह हमारे आदमियों को पीट रहा है, लगता नहीं उन्हें गुस्से से पीट रहा है, लगता है कि अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रहा है। क्या बात है, नीचे उतारो, नीचे उतारो। लगता है कि अब उसका फोकस हम लोगों पर है ब्रो। लगता है सिंह की जरूरत नहीं है, भागो। चलो पापा बहुत देख लिया, उसे पीटने के बाद वो भी घर आ जाएगा। चलो आज के बाद हम कभी भी तुमसे या तुम्हारे दादा से पंगा नहीं लेंगे। लिया तो हम यहीं सिंक में रहते हैं, तुम हमें ढूंढ के नदी में गाड़ देना। ओके ब्रो, लेट्स गो। हाँ, थोड़ा ध्यान से करना, तुमसे बात करते हुए मैं नारियल खा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइटली लोगे। देखो मेरा इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ लगा हुआ है, प्रोजेक्ट एकदम साफ होना चाहिए जैसे सिल्क की धोती। भैया आपका दोस्त इंतजार कर रहा है। यहाँ मेरा कौन सा दोस्त आ गया है? ये आदमी जो फोन पर पूजा को पिंडदान समझ बैठा था, अमेरिका से आया है, जाइए मिलिए, बैठा है अंदर। अमेरिका से? ये यहाँ कैसे आ गया? लो हम पहुँच गए घर। पापा भी आ गए। ओह माय गॉड, ये तो तस्वीर को माला चढ़ा रहा है। तुम लोगों के लिए अंदर एक सरप्राइज है। अंदर कोई सरप्राइज नहीं, तुम क्या कर रहे हो उधर? शादी पास आ रही है, देखो तुम शॉपिंग करके आओ जल्दी। हाँ सही कहा, जाओ जाओ जाओ। ए, पापा पापा आपको भी जाना पड़ेगा, आप घर में सबसे बड़े हैं, आपकी नजर अच्छा, के सामने शॉपिंग होगी तो अच्छा होगा। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। नमस्ते, यू आर ग्रेट सर। मतलब सच में आप इन पर लगी माला को गिरने तक नहीं दे रहे। डाली ना सर, अपने हाथों से डालिए प्लीज। अब ये मुझसे माला डलवा रहा है। प्लीज सर आइए, सर आइए आइए। रमेश आप मेरे लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो। केयरफुल, बेस्ट एग्जांपल हो अपने बेटे के लिए। सर आपके पिता आपके बेटे की शादी देखने से पहले ही गुजर जाएंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सर बैड लक, अगर आज वो यहां जिंदा होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त हैं? मैंने लड़की वालों को भी बुलाया है, एक बार साई और उसकी मंगेतर आ जाए फिर सब साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। सर वो असल में थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर। मिसकम्युनिकेशन? ऐसा कि आपने अपने बाप को मार दिया? नो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डू यू नो समथिंग, हमारे घर में कोई भी धार्मिक फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता की फोटो है। जब तक मैं उनकी प्रार्थना ना कर लूं मेरा दिन शुरू नहीं होता। और तुमने मुझे एक ऐसे आदमी की तस्वीर पर माला चढ़ाने दी जो जिंदा है, तुम इंसान भी हो या नहीं? आई एम रियली सॉरी सर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे कोई बात नहीं बेटा, यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसने मुझे जिंदगी भर का पाप चढ़वा दिया है। एक तरफ तो ये मुझे बिना बताए अपने बेटे की शादी कर रहा है और दूसरी तरफ ये लोगों से कह रहा है कि इसका बाप मर चुका है, बताइए मैं इसके साथ क्या करूं? He is a disgusting man. ये तो मेरे पापा का आशीर्वाद है कि इस रिश्ते के आगे बढ़ने से पहले मुझे इसकी असलियत दिख गई। बेटा ऐसा मत कहो, ये बुरा नहीं है, पर पता नहीं ऐसा कैसे कर दिया। प्लीज अब आप कुछ मत कहिए, इसे कभी माफ मत कीजिएगा। सर गॉड फॉरबिड अगर आपको कैंसर हो जाए तो आप शायद ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपके घर में एक ऐसा बेटा है तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है कि आप लंबा जिए
I'm really sorry once again, sir. चलता हूं. सर Hey, Sai. Could you drop me to the airport, please? Please come, sir. Okay. बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि वो घर के अंदर है. बहुत बहुत धन्यवाद पापा. आपको पता है इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी, मेरा डाउनफॉल. इतने सालों में जो मैंने नाम और इज्जत कमाई थी कुछ सेकंड्स में तबाह हो गई. जहां से शुरू किया था आपने वहीं लाकर पटक दिया. मैंने आपको जाने के लिए कहा था लेकिन आप जानबूझकर मुझे उनके सामने जलील करने के लिए अंदर आ गए. क्यों ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं आपको शुरू से देख रहा हूं. आपने मेरे बेटे को कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मुझे यूएसए आने के लिए मजबूर किया. उसकी शादी करने के मेरे सपने पर पानी फेर दिया. आपने अपने बच्चों की शादी अपने आंखों से देख लिए काफी नहीं है? जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो मर जाता है. इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. आपने इतने सिंपल मामले को बहुत 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 सीरियस कर दिया और बहुत बड़ा कर दिया. हाँ? और खुश हो रहे हो, हर दिन को एक फेस्टिवल बना रहे हो, यह सब क्या चल रहा है? हाँ? 70 साल इतने फेस्टिवल मनाए काफी नहीं है क्या? और आखिरी दिनों में यही सब कुछ चाहिए? सुनो, तुम सबको एक बात पता है क्या? इन्हें लग रहा था कि हम सब इन्हें छोड़ के चले ना जाए तो इन्होंने मेरे बेटे को फुसला कर रिटर्न गिफ्ट का नाटक रचा, उससे झूठ बुलवाया ताकि हम सब लोग इधर ही रहे. अभी हमें चारों तरफ घुमा रहे हैं. कभी शादी, कभी पूजा, ये सब चल रहा है. पापा, आपके आखिरी दिनों में हम मिलने के आ गए. अच्छा सबक सिखा दिया आपने. मुझे एक डाउट हो रहा है. जब आपको कहीं जाना होता है तब आप एक मिनट भी देर से नहीं पहुंचते, तो इस बार टाइमिंग कहां गड़बड़ा गई? व्हाट इज दिस? आई मीन व्हाट इज दिस? अब आप क्यों नहीं कुछ कह रहे पापा, बताइए ना. अब आप इस तरह चुप क्यों हैं? गायत्री, आप चुप रहिए. बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं. मेरा गला सूख रहा है, मेरा दिल अब रुक जाना चाहता है. अब अगर एक शब्द भी कहा तो शायद सुनने के लिए जिंदा ना रहूं. अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ. अब अगर तुम लोग 10 मिनट और रुके तो शायद 10 दिनों के लिए रुकना पड़ेगा. मेरी बात मानो और चले जाओ. खैर छोड़ो, बची हुई जिंदगी आसान नहीं है. चलो जी चलो, अब ये हमारे सवालों से बचने के लिए कह रहे हैं. आपको क्या लगता है मैंने ये ड्रामा कभी देखा नहीं? चलो अंदर, चलो चलो. मोमेंट, टाइम नहीं. मोमेंट, कम ऑन. मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा कौन सा काम किया है कि वो उन्हें अच्छा बेटा मानते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे कहीं बेहतर बेटा बनना होगा अगर इतिहास में खुद को याद रखवाना है.
क्या हुआ पापा? वो दादाजी समझ गया, पापा नहीं रहे। मैं नहीं आ सकता, पिछले 24 घंटों से बिना सोए हुए ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे बैक पेन भी हो रहा है। अब मैं दोबारा नहीं आ सकता। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि दामोदर मेरे साथ क्या करेगा। मुझे बहुत सारी ईमेल आ चुकी है, वो सब ठीक करना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, आप सबसे बड़े हैं, क्रियाक्रम तो आप ही को करना है। अरे ये रूल है, कंपलसरी नहीं है। मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मरने वाले का सबसे पसंदीदा आदमी क्रियाकर्म करता है, तभी उसके आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए तुम्हें ही उनकी अंत्य विधि करनी पड़ेगी, यही अच्छा होगा। वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तुम ही कर दो। जैसा कि तुम्हें बड़े भाई ने कहा, तुम ही सारे क्रिया कर्म कर देना। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन था, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर मैंने कहा कि मैं फिर से जा रहा हूँ, दिल जस्ट फायर मी, तो हम तुम्हें 13वीं के दिन मिलेंगे, ठीक है? टेक केयर। बेटे नहीं आएंगे तो फिर बेटी वहाँ आकर क्या करेगी बताओ? सिर्फ रोने के लिए? हम चारों साथ हैं तो ही अच्छा लगेगा। मेरे पति रात देर तक काम करते हैं और बच्चे अकेले रहते हैं, इन्हें छोड़कर आना मुश्किल है। सोच लेना कि हम हैं और सब काम कर देना। क्या उन्हीं के पास न आने का कारण है, हमारे पास नहीं? हफ्ते भर के लिए आए थे, महीने भर का नुकसान हो गया है। वैसे भी मेरे पति को उनकी शक्ल देखने की कोई इच्छा नहीं है। और ये तुम्हारे चाचा नहीं, मैं बोल रही हूँ। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, सामान भरो उसमें। बोल बोल के गला सूख गया मेरा। यार। हाँ हेलो अंकल। हेलो, आखिरी क्रियाक्रम ठीक से हो गए है ना? हाँ सब ठीक से हो गया अंकल। लगता है मैं नहीं आया इसलिए गुस्सा है, फैमिली ग्रुप पे फोटो भी नहीं डाली उसने और ना ही अपने चाचाओं के फोन का जवाब दे रहा है। उसे लग रहा है कि उनके जाने का हमें दुखी नहीं हुआ। हम क्या करें, कितनी बार वहाँ आ जा सकते हैं? हम यहाँ पहुँचे वो चल बसे, अभी 15 मिनट का रास्ता है, क्या कभी भी आ जा सके? आपने मुझे फोन क्यों किया है अंकल? अरे आज उनकी 13वीं है ना, तो पिंडदान का कार्यक्रम भी होगा, तो तुम एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सब आ जाएं तो ऐसा लगेगा कि हम भी उसका हिस्सा है और पापा को भी शांति मिल जाएगी। ओके अंकल। आइए ना, सब ऑनलाइन आ गए हैं। आ रहा हूं। हाँ अंकल, सारे लोग ऑनलाइन है ना? हम सब की फोटो क्यों लगाई? दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग नहीं, रिश्ता खराब हुआ है। जैसे आपने अपने पापा को इज्जत दी, वैसे ही मैं अपने पापा को इज्जत दे रहा हूं। अगर तुम्हें अपने पापा को ऐसी इज्जत देनी है तो ठीक है, लेकिन मेरी फोटो वहां से फौरन हटाओ। अरे ऐसे कैसे हटा दूं? और आप इसे देखकर परेशान हो रहे हो? कल तो मैं आपकी समाधि बनाने वाला हूं। वो भी नकली वाली नहीं, पक्की सीमेंट की, इतनी पक्की कि हथौड़ा टूटेगा पर वो नहीं। अरे सुन, मैं तेरी बुआ हूँ, तू सब गलत कर रहा है। अरे मैंने क्या किया बुआ, आपने ही तो कहा था, समझ लेना कि हम लोग नहीं है। अब लोग मेरी बात नहीं मान रहे, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सब प्लेन क्रैश में मर गए, तो सब ने मान लिया। क्या हुआ चाचा, चाची कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है? आपकी जबान तो वही बनती है ना। तुझे पता भी है तू क्या करने जा रहा है? स्टॉप इट नाउ, आई सेड स्टॉप इट। देखिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अभी पिंड दान कर रहा हूँ इसलिए आराम से बात कर रहा हूँ। 2 दिन में आप सब लोगों की समाधि पर शोक सभा रखने वाला हूँ, उसके बाद पूरे राज्य में मौत की खबर फैल जाएगी। Hey! Stop it, man!
अगर रोकना है तो इधर आकर रोको, ये ऑनलाइन ऑनलाइन खेलते रहोगे तो पिंडदान भी ऑनलाइन ही होगा डायरेक्ट। क्या आप तुम फिर वापस जाना चाहते हो? हमें जाने की जरूरत नहीं है, करने दे जो वो करना चाहता है। बाप मरा तो जाने नहीं दिया, मेरे मरने पे तू नहीं आएगी जी, स्वार्थी। सुनो जी, आपकी समाधि कहाँ है? तुम्हें हमारी समाधि देखने की इतनी जल्दी क्या है? मूर्ख औरत। भैया सुनिए, उसे यहाँ आने के लिए कहिए, आज ही फैसला करेंगे। इसके हाथ में दराती देखकर तो लग रहा है कि आज ये सबको मारकर यहीं समाधि बनाएगा, फिर बैठकर बात करेगा। देखो सब लोगों का यहाँ पर एक साथ कैसे आना हुआ? बाप की मौत का सुन के तो बड़े बहाने बना रहे थे, खुद की जान पे बनाई तो सारे बहाने गायब हो गए। खुद की मौत पे शेड्यूल, मीटिंग, ऑफिस सब कुछ एडजस्ट कर लिया, यहाँ फोटो पे माला चढ़ी, वहां तुम प्लेन में चढ़ गए। ये कैसी सहूलत वाली मजबूरी है हा? बेटा ये सब क्या है? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही पापा, मुझसे आप बहुत ज्यादा गुस्सा है फिर भी मुझे बेटा बेटा कहकर बुला रहे हैं, फिर आपने अपने बाप का प्यार कभी क्यों नहीं समझा? उनकी जिंदगी, उनकी कुर्बानी आपके लिए कुछ भी नहीं है हा? बस आग खुलते ही पैसे कमाने की होड़ में इस तरह जुट जाते हो कि भूल जाते हो कि तुम सब इंसान हो, कोई मशीन नहीं। माँ बाप के फर्ज के सामने नौकरी को अपना फर्ज समझा, इसीलिए चाहते थे कि बाप जल्द से जल्द मर जाए ताकि वापस काम पर लग सके। ऐसी सोच के साथ जियोगे, इसीलिए मार दिया सबको। चलो ठीक, वो बहुत ही महान आदमी थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उनकी बगल में बैठे रहें और अपना करियर बर्बाद करके बेघर हो जाएं। अंकल एक नौकरी जाएगी दूसरी मिलेगी, एक प्रोजेक्ट जाएगा दूसरा मिल जाएगा, हर चीज का कोई ना कोई अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर बाप मर जाए तो उसका अल्टरनेटिव ना है, ना था, ना होगा। आप सब अपने जॉब, अपने करियर को एकदम दिल से लगा के रखते हैं, किसने दिया ये सब? वो बुनियाद किसने डाली जिस पर खड़े आप, कभी दिमाग में भी आया? जिस बाप ने तुम्हें काबिल बनाया, कुर्बानियां देके तुम्हारी जिंदगी सवारी, उस बाप के साथ क्या किया तुमने, सोचो। तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हें छोटे बच्चे की तरह रखते हैं, वो आ गए, चलो भागो। ऑफर लेटर सॉफ्टवेयर जॉब का? बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रह्माजी ब्रदर्स कंपनी से निकलवाया है, अब तुम अमेरिका। मैंने कहा था ना मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बस तू ऐसे ही मुझसे प्यार करते रहना, हम बदल थोड़ी जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू हमेशा उस सनकी के अंडर काम करे। आपके बगैर मैं चल भी नहीं सकता तो दौड़ कैसे लूं, अगर कहीं मैं गिर गया तो? अरे तेरा बाप है ना तुझे संभालने के लिए। हाँ बाबा, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फार्म उन्हें बेचा और अब ये कह रहे हैं कि तूने पैसे लौटा कर कहा कि हम इसे नहीं बेचना चाहते हैं। मुझे पता है आप ये फार्म क्यों बेच रहे हो, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अरे बेटा तू तो हमेशा मेरे दिल में ही रहेगा, जब भी तुझे याद करूंगा तू आ जाएगा। मान ले कभी कोई ऐसा वक्त आया और मैं तुझे फोन करूंगा तो तू भागते हुए नहीं आएगा क्या? जरा देख उन्हें, क्या तू जिंदगी भर ऐसे ट्यूशन पढ़ाता रहेगा और ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जा बेटा खूब आगे बढ़, ये अच्छा रिश्ता है बेटी। कितना भी अच्छा रिश्ता मिले पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, बिल्कुल नहीं पापा। मरने से पहले माँ ने मुझे कहा था कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूं। तुम्हारी माँ ने भी मुझसे यही बात कही थी,
कि मैं तुम्हारा हाथ एक अच्छे आदमी के हाथ में दूं, इसीलिए तो इसे लाया हूं। देखो बेटा, ये अच्छा आदमी है, अगर मैं अपनी बेटी से मिलना चाहूंगा ये मिलने से रोकेगा थोड़ी। अगर ये मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। आओ बेटा, आओ। ससुर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर कैसा, तुमसे इसकी शादी इसीलिए करवाई है क्योंकि तुम बोल सकती हो। सुनिए जीजा जी, आपने अपने सारे बच्चे दूर भेज दिए, अब इन्हें भी भेज रहे हैं, इन्हें तो साथ में रख सकते हैं ना। अरे अपने साथ के लिए मैं इनकी ग्रोथ को थोड़ी रोक सकता हूँ, सिर्फ हाथ का अंगूठा और उंगलियां मजबूत होना काफी नहीं होता, सबसे छोटी उंगली का भी बहुत महत्व है, इसे रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जाओ बेटा। जिस बाप पे तुम सब जान छिड़कते थे, उसी पे शादी के बाद, बच्चों के बाद, गांव छोड़ने के बाद एक बार मुड़कर देखना भी तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा? प्यार बांटने और बढ़ाने के लिए होता है, कम करने के लिए नहीं। पिता होने के नाते उन्होंने आप सबको अपना बेस्ट दिया और आप सब भी अपने बच्चों को बेस्ट ही देना चाहते हैं, बट उनके नाते पोतियों के सामने आप सब किस तरह के बेटे बेटियां बने कुछ पता भी है? हमने आपसे सीखा है कि माँ बाप की इज्जत अगर होती है तो करो, नहीं तो जाने दो, क्या होगा, अकेलेपन से सिर्फ मर ही जाएंगे ना। तब शायद आप समझेंगे कि बच्चे जब कहते हैं कि वो आ रहे हैं और नहीं आते हैं तो कैसा लगता है, आखिरी वक्त में अपने साथ ना दे तो कितनी तकलीफ होती है। हम भी सोचेंगे कौन मरते बुढ़े पे टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा ऑनलाइन पिक्चर देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे दोस्तों के साथ। और यहाँ आपका दिल बैठ रहा होगा, सांसें उखड़ रही होंगी, गम के मारे घुट घुट के दम तोड़ रहे होंगे, तब आपको अपने किए हुए कर्मों के पाप नजर आएंगे और हमें कोसने का आपको हक भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप खुद वैसे हैं। एक बात याद रखना, हर एक इंसान को इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि आज जो बेटा है कल को वो बाप और दादा जरूर बनेगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। सदियों से लोगों को कहते सुना है कि 60 के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, अगर ये बात सच है तो आप सब इसे मानते क्यों नहीं है? जिस तरह आप अपने बच्चों को संभालते हैं, अगर उसी तरह अपने माँ बाप को संभालने लगेंगे तो वो कभी बोझ नहीं लगेंगे। सच तो यह है कि आपने अपने बाप को नहीं बल्कि बेटे को खोया है। कहाँ जा रहे हो? मैंने सारी हदें पार कर दी, मैं माफी भी नहीं मांग सकता, अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। मैं आपको रिश्तों का एहसास दिलाना चाहता था, रिश्ते तोड़वाना नहीं चाहता। बेटा हमें चप्पल लेकर मार, शायद इसी से अकल आ जाए। मैं नहीं मारूंगा, आपके पापा खुद मारेंगे। क्या कहा? क्या कहा तुमने? दादाजी मुझे छोड़ के चले जाओगे? कोई बात नहीं, आपने कहा था ना कि आपके पास ही रहूं ताकि मरते वक्त आपके मुंह पे मुस्कान रहे, तो मैं यही हूं, मुस्कुराते क्यों नहीं? नहीं उठोगे? ऐसा मत करो दादाजी, से छोड़ दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। ये देखिए आपकी छोटी से छोटी चीज मैंने संभाल के रखी है, अब तो उठ जाइए दादाजी। फादर्स डे पे अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ।
दादाजी। अरे क्या हुआ पापा? मेरी छड़ी कहाँ है? हम है ना, चलिए पापा। Come on, Dad. चलिए पापा। हम है ना पापा। मुझे नहीं पता रघु रमैया कब मरेंगे, लेकिन जब भी मरेंगे खुशहाल मरेंगे। अगर हम भी अपने माँ बाप को वही प्यार और दुलार दें जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था, तो उनकी जिंदगी का हर दिन किसी दिवाली से कम नहीं होगा। याद रखिए, एक दिन आप भी माँ बाप बनेंगे।